अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है? है मुझसे बड़ी गलती हो गई। देखिए मुझे क्या करना था वो मैं भूल गई। कहाँ गया मेरा बल्ला? बल्ला दो और बॉल कहाँ है? आज मुझे थोड़ा सा कुछ अजीब लग रहा था। मेरी टीम ने कहा कि इन गरारा पैंट्स के साथ आप अगर बैट लेके एंटर होंगी ना तो बहुत अच्छा लगेगा। क्या अच्छा लग रहा है? क्या मैं इस गरारा पैंट्स के साथ बॉलिंग करा सकती हूँ? हटा दूं इसे, इस बल्ले को? हाँ, लेकिन चाहे मैं इसको हटाऊं या ना हटाऊं, आज के हमारे शो पे ये एक डेकोरेशन पीस की तरह होगा। कहीं भी इसको लगा दो, हाँ, एक सजा दो इसको। बॉल और जो बल्ला है ये हमारे पास डेकोरेशन पीस की तरह होगा। जैसे कि जिस घर में बेटे पैदा होते हैं, कुछ ही महीने बाद, कुछ ही सालों बाद बैट और बॉल घर में प्लास्टिक का ही सही, छोटा सा ही सही, लेकिन नज़र आ रहा होता है। और हर वक्त कभी खिड़की तोड़ी जा रही होती है, कभी कोई बल्ब तोड़ दिया जा रहा होता है, कभी गली मोहल्ले से शिकायतें आ रही होती हैं लड़कियों को छेड़ने की नहीं बल्कि खिड़कियाँ तोड़ने की। जनाब बच्चे, बच्चे बच्चे अम्मा अब्बा से लड़ते हैं। आपने हमारा नाम शाहिद अफरीदी अब्दुल बासित क्यों नहीं रखा भाई? हैं, आपने हमारा नाम मुन्नू चुन्नू क्यों रख दिया? जनाब क्रिकेट का जो क्रेज है वो लड़के लड़कों के जहन में, लड़कियों के जहन में भी, लेकिन लड़कों के जहन में तो पैदा होते ही डाल दिया जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ का कुछ माहौल, कुछ रिवाज ही ऐसा है। हम बिजली, पानी और पता नहीं किस किस बात पर पाकिस्तान को बुरा भला कहते हैं कि रात भर बिजली नहीं थी और वाकई नहीं थी। हैं, आधी आधी रात को बिजली चली जाती है। जिनके घर में जनरेटर नहीं होता, होता भी है वो भी उठते हैं, जिनके नहीं होता वो तो बेचारे सारी रात अपने बच्चों को अखबार से पंखा झलते रहते हैं, और वो अखबार इसी तरह तो काम आता है, वरना उसको देख के तो डिप्रेशन ही डिप्रेशन होता है। मगर एक चीज में हमारी आवाम बड़ी सेंटी है, बड़ी जज्बाती, और वो क्या है? क्रिकेट। और अगर हो, ये मैं क्या पहन रही, ये भी पकड़ लो। एक तो पता नहीं ना, आज कंफ्यूजन में एक तो सारी रात नींद नहीं आई, क्या सवाल करूंगी क्या नहीं करूंगी। कभी नहीं हुआ ऐसा मेरे साथ, मतलब मैं कोई 3 घंटे सोई होंगी, पता नहीं आज मैं क्या उलूल जुलूल बोलने वाली हूँ। एक तो खुशी के मारे नींद नहीं आई कि शाहिद अफरीदी शो पे आ रहे, तो उनसे सवाल होंगे, आपको भी नहीं आई होगी। सबकी आंखों के नीचे बहुत सारे स्याह हल्के पड़े हुए हैं। और अगर ये पता चल जाए कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो तो क्या होता है? स्कूल कॉलेज की छुट्टी, ठीक है, अब जो घर की औरत है वो कह देती है आज मैं खाना नहीं बनाऊंगी, खाना बाहर से आएगा, चाहे तुम लोग कुछ भी कहो। और जो घर के मालिक हैं यानी मियाँ हैं, वो ऑफिस से जल्दी छुट्टी लेकर भाग आते हैं, बस ऐसे ही हाजिरी वाजिरी लगा कर और फौरन आ जाते हैं। पूरा खानदान, चाहे वो दादा हो, चाहे वो दादी हो, चाहे फुप्पो चाचू, जितने भी सारे लोग हैं घर के, सब एक अंडर वन रूफ, एक टीवी के आगे, चाहे उस टीवी का साइज कितना भी हो, इतना इतना इतना, मगर सब एक साथ इकट्ठे बैठ जाते हैं चीखम पुकार करने के लिए, ये बूम बूम अफरीदी। रोड्स पर स्क्रीन्स लग जाती हैं, मोहल्ले के लोग आपस में जमा हो जाते हैं, जिनकी लड़ाई होती है सदियों से उनकी दोस्तियां हो जाती हैं। अगर पाकिस्तान मैच जीत जाए गले लगा लेते हैं सब एक दूसरे को, तो वो ईद का सा समा होता है और वो मज़ेदार लम्हा होता है। चाहे पाकिस्तान हारे या जीते, हमें तुमसे प्यार है, मगर जो मैच देखने में मज़ा आता है ख़ासतौर पर इंडिया पाकिस्तान का, लगता है एक छोटी सी जंग छिड़ गई है। वो ऐसी जंग जिसमें हम इंजॉय करते हैं, जिसमें हम डूब जाते हैं। शाहिद अफरीदी जो कि बहुत सालों से एक उरूज पर हैं और इंशाल्लाह रहेंगे अपनी परफॉर्मेंसेस की वजह से, और कहते हैं कि जो आए और छा गए, तो ये इनके बारे में होगा बिल्कुल दुरुस्त कि दूसरा मैच खेलते ही सबके छक्के छुड़ा दिए और इनका रिकॉर्ड 18 साल तक किसी ने नहीं तोड़ा, अब टूटा है कुछ दिनों पहले। इन्होंने 37 बॉल्स में 100 रन, सेंचुरी मारी। सही कह रही हूँ ना मैं? मैंने साथ अपने बंदा भी रखा हुआ है जो मुझे सही सही बताता रहे, हाँ वो मुझे टिक करता रहेगा, सही बोल रही है निधा आपने, ये रिसर्च सही बोली, ये रिसर्च सही बोली। क्योंकि ये जो लड़के हैं ना, ये तो इनके अंदर तो इन्होंने घोल के पिया है क्रिकेट। अगर क्रिकेट की तरह ही पढ़ाई, मतलब पढ़ाया जाता ना, तो आज हमारे सारे लड़के पोजिशन होल्डर्स होते, सीरियसली।
लड़कियां जो पोजीशन ले लेती है ना लड़कों से आगे बढ़ जाती है, सुनो लड़कों, वो ना निकलती तुम लोगों से आगे अगर क्रिकेट की तरह ही आपको बिल्कुल सारी एजुकेशन घोल के पिलाई जाती। ये क्या है, ये क्या जुनून है, ये क्या एडिक्शन है क्रिकेट। ये हमारे कहते ना कि रगों में बसी हुई है, खून में बसी हुई है क्रिकेट। और हमारे यहाँ माशाल्लाह एक से एक खिलाड़ी निकलता चला आता है, कभी इमरान खान का अरूज होता है, कभी वसीम अकरम का अरूज होता है, और कभी शाहिद आफरीदी। जनाब क्या बात है, माशाल्लाह ये हमारे लिविंग लेजेंड्स हैं। और कहते हैं ना कि कोई बहुत खुश नसीब होते हैं जो इस दुनिया का प्यार पाने में कामयाब हो जाते हैं, तो शाहिद आफरीदी उनमें से एक हैं जो हर कैटेगरी यानी बच्चा, यंग लड़कियां, औरतें, मर्द, लड़के, बुजुर्ग, हर किसी के दिल पर राज करते हैं, सबसे दुआएं लेते हैं, सबसे दुआएं लेते हैं। और जो शख्सियत ऐसी होती है जिससे हर कोई प्यार करता है, जब वो ये सोच ले कि ये जो प्यार मुझे इर्द गिर्द से मिल रहा है, क्यों ना इस प्यार को मैं इनमें ही बांटूं। और उसके प्यार बांटने का तरीका होता है मुख्तलिफ तरीक़ों से, जैसे कि शाहिद आफरीदी ने जब कोई फाउंडेशन नहीं बनाया था तब भी वो छोटे 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 काम करते रहते थे, कभी किसी कहीं सबात जाकर मटर्निटी होम्स खोले और एनजीओस के साथ जुड़ के उनकी मदद की, यानी कि अपने लोगों की मदद करने की लालच में वो इस चीज़ में उतर आए। और उन्होंने शाहिद आफरीदी फाउंडेशन फॉर्म किया, जिसकी वजह यह है कि जब लोग उनसे प्यार करेंगे और उनसे प्यार करने की वजह से लोग अपने लोगों से प्यार करेंगे, तो वो अपने लिए जो अपनी जेब हल्की करने में ज़रा सा सोचते हैं, लेकिन जब शाहिद आफरीदी फाउंडेशन सामने होगा और उनका टेलीथॉन होगा तो लोग सोचेंगे नहीं बल्कि उनको देखते हुए ये जेब से चेक निकालेंगे, कहेंगे ये लो तुम्हारे फाउंडेशन के लिए। और वाकई ये हमारा भरोसा है और लोगों का भरोसा है कि जो भी SAF यानी शाहिद आफरीदी फाउंडेशन में मदद की जाएगी, डोनेशंस दी जाएंगी, वो सही जगह पे पहुंचेंगी। तो आइए आज शाहिद आफरीदी से बात करेंगे। मैं उनसे पहली दफ़ा इंटरव्यू कर रही हूँ, बड़ी नर्वस भी हूँ, डर लग रहा है कि पता नहीं क्या डांट तो नहीं देंगे अगर मैंने सवाल कर लिया, अच्छा आप अपनी बेटियों से प्यार है, अच्छा आपकी शादी कैसे हुई, ये भी डर लग रहा है, मगर ये सुकून भी है कि एक सच्चा खरा एग्रेसिव आदमी है जो दिल से खेलता है पाकिस्तान के लिए, वो आज दिल से बोलेगा, दिल से जवाब देगा, दिल से बातें करेगा, क्योंकि मैं दिल से सवालात करती हूँ, मैं अपने गेस्ट को यहाँ बिठाती हूँ अपनी आँखों पे, अपने सर आँखों पे, मैं हर किसी को रिस्पेक्ट देती हूँ। और आज हम सब मिलकर अपने बूम बूम आफरीदी को बुलाएंगे और यहाँ उनसे मिलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, उनकी इस बहुत ही नेक मकसद में उनका साथ देंगे, साथ निभाएंगे, आखिर तक साथ निभाएंगे, जब तक उनको हमारा साथ चाहिए होगा हम निभाएंगे साथ मिलकर, ताकि हम अपनी पाकिस्तान के हाल को बेहतर बना सकें, मुस्तकबिल को बेहतर बना सकें। और अगर इसी तरह हर इंसान, हर शख्स जिससे आप लोग प्यार करते हैं ठान ले कि उन्होंने आपके प्यार का जवाब आपके प्यार से ही देना है, तो हमारे मुल्क के हालात जो हम रोते रहते हैं वो ठीक हो जाएंगे कि नहीं, उम्मीद पे दुनिया कायम है। आइए जी एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, लेकिन वक्फे पे जाने से पहले मैं ज़रा पूछना चाहती हूँ यहाँ बैठी हुई खवातीन से, क्या सोच के आई हो, क्या सवाल करना है शाहिद आफरीदी से, क्या पूछोगी, हाय यूं यूं करोगी, पहले सुनिए 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 कैसे सवाल करोगी। नहीं मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ, और मैं इतनी बड़ी फैन हूँ मतलब मैं जब टीवी सामने होता है मैं सिर्फ उन्हीं को देख रही होती हूँ, मैं अपने बाबा से भी डरती हूँ कि आप उनको कुछ मत बोले, अच्छा बोलते रहे आए, हाए। और मतलब पाकिस्तान, मुझे पता पाकिस्तान हारेगा, लेकिन मैं टीवी देखती रहती हूँ, आफरीदी की बॉल आई, बाबा ने बोला अबाउट, मैंने बोला आप मत बोले ऐसे, आप मत बोले ऐसे, और जब बॉल जाती है तो मेरा एक्सप्रेशन नहीं होता, मैं मतलब, और जब शायद आफरीदी, मुझे लग रहा होता है बैट पे बॉल नहीं लगी, वो जिस तरीके से बैट फेंकते हैं आई लव दैट उनके एक्सप्रेशन। अच्छा तुम सब कुछ जानती हो शायद आफरीदी के बारे में? हाँ तकरीबन। क्या क्या जानती हो, चलो बताओ, देखते हैं। वो फर्स्ट मैच 1880 में फाटा में उनकी पैदाइश हुई थी, और उसके बाद उन्होंने आफ्टर मैट्रिक जो है ना अपने क्रिकेट करियर स्टार्ट किया था, गलियों में खेलते थे, और उसके बाद जो इंस्पायर हुए वो अपने बड़े भाई, ताहिर नाम है, तारिक नाम है, उनसे इंस्पायर हुए, तारिक नाम है उनका, उनसे इंस्पायर हुए, खैर डेब्यू अपना टेस्ट दिया, लोग कहते हैं कि आफरीदी टेस्ट नहीं खेल सकता, लोगों को पता ही नहीं, उन्होंने टेस्ट बहुत अच्छा खेला। उसके बाद उनकी जो बॉलिंग स्टाइल है वो गुगली है, वो गुगली बहुत अच्छा कराते हैं। दूसरा ये कि उनका जो बॉलिंग स्टाइल है और जो उनके हाथ में रिस्ट वॉच होती है और
तो अपने बालों को ऐसे करते क्या बात। अच्छा एक मिनट डिक्शनरी वो इंसाइक्लोपीडिया खोले जरा, शायद अफरीदी की टिक 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 अब शुरू करो। हाँ और उनका सबसे अच्छा वाक्य उन्होंने काफी दफा बताया, इकरार ने भी उनसे पूछा था कि आपकी जिंदगी का जो सबसे इम्पोर्टेंट वाक्य हो, हाँ। तो उन्होंने बताया था उनकी एक फैन थी जो दुल्हन बन के घर आ गई थी उनकी शादी करने के लिए। माय गॉड, फिर क्या हुआ था? फिर कुछ नहीं, फिर उन्होंने भगाया, उन्होंने बोला नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है। कैसे भगाया? अब ये तो मैं भी उनसे पूछूंगी। हाँ, सोच के रखो सवाल। उनकी चार बेटियां हैं, अक्षा, अंशा, अजवा, स्मारा। स्मारा के अभी कुछ टाइम पहले बर्थडे आई थी। बात सुनो सुनो, आज तुम मेरे साथ को-होस्ट बन सकती हो। क्योंकि जिस बात का जवाब मुझे उनसे नहीं मिलेगा ना, मैं तुमसे पूछ लूंगी। अच्छा तुम बताओ क्या है? इतनी बड़ी फैन हूँ, मुझे मेरे बाबा ने मना करा था, इजाजत नहीं दे रहे थे। मैं जाके मैंने बोला बाबा मुझे जाना है जाना है। हाँ। वो मेरी शक्ल देखने में कहा अफरीदी आ रहा है, बाबा ने कहा जाओ, और मैं रोना शुरू हो गई खुशी से। ओए अल्लाह अल्लाह, आप जल्दी बुला लें। अब जल्दी बुला लूं, इंतजार नहीं हो रहा आप लोगों से? भी नहीं हो रहा इंतजार, मगर थोड़ा तो करना पड़ेगा। इतना सा इंतजार कर सकते हैं? ब्रेक पे जा रहे हैं, कमर्शियल आएंगे तो ही तो फिर शायद आफरीदी आएंगे ना। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। आपके फेवरेट, मेरे फेवरेट, इन सब के फेवरेट, ऐसा कोई नहीं होगा जो कहेगा कि मुझे नहीं पसंद। जिसको क्रिकेट भी नहीं पसंद उसको शायद आफरीदी पसंद है। खुदा ने कोई इनको ऐसी इज्जत दे के भेजा है। तो आइए एक छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं हम बूम बूम आफरीदी से। अस्सलाम वालेकुम। अपने लिए ज़िंदगी गुजारना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन दूसरों के लिए ज़िंदगी डेडिकेट करना बहुत बड़ी बात है। जिस तरीके से आप लोगों ने मेरी फर्स्ट इनिंग में साथ दिया, मैं चाहता हूँ जो मैंने सेकंड इनिंग अपनी ज़िंदगी की शुरू की है उसमें भी आप मेरा साथ दें। शाहिद अफरीदी फाउंडेशन और आप लोग, हम सब मिलकर इस पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए जो कुछ हमसे हो सके हम करने के लिए तैयार हों। होप नॉट आउट। देखिए शाहिद अफरीदी फाउंडेशन स्पेशल लाइव टेलीथॉन 24 मई बरोज बुध रात 10 बजे से सिर्फ ARY डिजिटल पर। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और आज गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में तालियां जो है हाथ से नहीं दिल से बज रही हैं। और लोग मुझे नहीं देख रहे, अगर आप मेरी जरा ऑडियंस को दिखाएं, शकील भाई जरा दिखाएं उनको, मुझे नहीं देख रहे, उनका चेहरा घूम घूम के दरवाजे की तरफ जा रहा है, घूम घूम के कुछ ही सेकंड्स बाद यहाँ आने वाले हैं वो बादशाह, वो राजा जो आपके दिलों पे राज करते हैं। चाहे कोई बच्चा हो, चाहे कोई यंग लड़की हो, यंग लड़का हो, औरतें हों, मर्द हों, बुजुर्ग हों, नानियाँ हों, दादियाँ हों, फूफियाँ हों, चाचियाँ हों, सब बोलते हैं एक साथ बूम बूम अफरीदी। आइए जी वेलकम करते हैं। आज हमारे शो पे पहली मर्तबा तशरीफ ला रहे हैं शाहिद अफरीदी, जिनको मैं आज कहूंगी लाला। आइए जी वेलकम करते हैं लाला को। बात करूं? अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपका हमारे शो पे आने का। आज इन लोगों ने फिर जाहिर कर दिया जो लड़कियां हैं ना, ये बहुत शोर मचाती हैं, ये बहुत शोर मचाती हैं। ये पता है आपको, ये लड़कियां नहीं है, ये गूगल है, जिनको आप पूछो तो ये शाहिद अफरीदी का सब कुछ जानती हैं। अच्छा, यानी कि आप कहाँ पैदा हुए, कैसे पैदा हुए, किसके घर पैदा हुए, अच्छा कितने बहन भाई हैं, कितने बच्चे, कैसे शादी हुई, मतलब कि मैं आपका इंटरव्यू कर रही हूँ इससे पहले इन सबको पता है, मतलब आपके आने से पहले। तो मुझे क्यों बुलाया फिर आपने? सबको पता है। आपको पता है मैं बहुत मेहमान नवाज हूँ, लेकिन मैं आपको इसलिए नहीं बिठा रही, मैं चाह रही हूँ ये लोग नजर भर के जरा आपको देख लें। अच्छा। फिर मैं आपको कहूँ कि तशरीफ रखे लाला। लेकिन मुझे पता चला कि मैं यहाँ एक घंटे के लिए हूँ। क्यों भाई, दूसरा घंटा मैं क्या करूंगी शो पे, मुझे तो देखेंगे नहीं चैनल शो होता है, बच्चों को और काम नहीं है। नहीं नहीं, ये आज
लाला ये आज अपने सारे कामों को आग लगा के आए हैं। अच्छा, ये अब्बू अम्मी से परमिशन लेके आए कि 11:30 बजे से पहले तो आप हमें फोन भी ना कीजिए। अम्मियाँ तो साथ आई हुई हैं माशाल्लाह। अम्मियाँ साथ आई हुई हैं बिल्कुल। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह ताला ने आपको इतनी इज्जत दी है, इतनी मोहब्बत, इतना प्यार, ये जो आपको अभी मिला है क्रिकेट में आने के बाद, ये क्या बचपन में भी मिलता था जो साथ खालाएं फूफियाँ चाचियाँ होती थी वो भी इतनी मोहब्बत देते थे? लाला कोई फेवरेट बच्चा थे खानदान का? खानदान के फेवरेट तो इसलिए आप नहीं कह सकते कि जिस बच्चे को स्कूल भेजा जा रहा है वो ग्राउंड भाग जाया करे। तो आप उनसे तो खैर थे इतने ज्यादा घर में बहन भाई हम के फेवरेट में से तो कहीं नहीं था मैं। अच्छा। माशाल्लाह ठीक ठाक शरारती था। और आपने कभी सोचा कि मैं कुछ फेवरेट बनने के लिए करूं? ये सारे बहन भाई हो माशाल्लाह, कितने बहन भाई? हम लोग माशाल्लाह 6 भाई 5 बहन है। माशाल्लाह 11 बहन भाई, बिल्कुल 11 की। और आपका नंबर कहाँ आता है? मैं बिल्कुल बीच में हूँ। अरे भाई ये या तो बड़े वाले बच्चे से जरा मोहब्बत होती है और छोटे वाले से, बीच वाला तो वो बिल्कुल पल जाता है, बस बीच वाले पल ही रहे। लेकिन ये बीच वाले बच्चे ने बात तो सुनो, बात तो सुनो, तो इतनी तालियां बजाओगे अल्लाह तुम्हें तो मैं बात कैसे करूंगी? तो एक घंटे में भागने के चक्कर में तो लग रहा मैं ग्राउंड में आ गया हूं। है ना, आज आज ये होगा, ये छक्के आज ये मारने वाले हैं, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा तो वो जो बीच वाला बच्चा है उसने ये सोचा कभी कि मैं अपने आप को जरा प्रोमिनेंट करूं, जरा मैं सबसे मुनफरिद नजर आऊं? कभी सोचा कि नहीं? सोचा, सोचे समझे बगैर मैदान में कूद पड़े। क्रिकेट जब शुरू की थी, जब अंडर 14 बहुत छोटा, जब मैंने स्कूल लेवल से क्रिकेट शुरू की, तो उस वक्त एक सिर्फ और सिर्फ रात को सोने से पहले मैं अपने ख्वाबों में खोया करता था। अच्छा। और मैं सिर्फ ख्वाब देखा करता था। और वो क्या ख्वाब थे? ख्वाब जो उस वक्त के टॉप क्रिकेटर्स थे, चाहे इमरान खान हो, वसीम अकरम हो, अब्दुल कादिर हो, ये वो नाम है जिनके हम जिनको देख के हम बड़े हुए हैं। और मैं उस वक्त बड़ा हो रहा था, तो मैं सिर्फ रात को सोने से पहले सिर्फ दिन रात सिर्फ क्रिकेट ही खेलता था मैं। अच्छा, और क्रिकेट देखते भी थे बहुत आप? बहुत ज्यादा शौक से क्रिकेट देखता था। सुबह सुबह 92 का वर्ल्ड कप अगर आप लोगों को याद हो, रमजान में बीच में उठ जाते थे सुबह सहरी के टाइम पे। बिल्कुल। तो वो एक ख्वाब जो था, मैं सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट फोकस की हुई थी मैंने कि मैंने क्रिकेटर ही बनना है। और मैंने पढ़ाई में कितने अंडे आते थे? पढ़ाई में मैं 6 तक ठीक था। अच्छा, ठीक था, लेकिन मुझे जो सपोर्ट मिल जाती थी वो स्पोर्ट्स की वजह से, बहुत ज्यादा स्कूल में सपोर्ट मिल जाती थी, इसलिए कि मैं 6 क्लास में था और इंटर स्कूल के लिए मेरा नाम आया था। तो ज्यादातर मैट्रिक के लड़कों के नाम आते थे। अच्छा। तो मैं वाहिद बच्चा था कराची की, पूरी कराची में, जिसमें 6 क्लास के बच्चे का जब पता चला ना कि बच्चा एक इंटर स्कूल खेल रहा है, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। अच्छा, कभी कभी किसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम नहीं हुई? मैथ्स तो, केमिस्ट्री तो, फिजिक्स, ये उर्दू, इस्लामियात, किसी सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम? मुझे जो बहुत सख्त किस्म की नफरत थी वो थी बायोलॉजी से, फिजिक्स, केमिस्ट्री नहीं, केमिस्ट्री ठीक था मैं। अच्छा। मैथ्स बिल्कुल पसंद। कैसे रट्टा मार के पढ़ा, चीटिंग फर्रे बनाए, कैसे पढ़ाई? माशाल्लाह जो सिस्टम अभी तक चल रहा है चीटिंग का, वो इसी तरीके। फर्रे फर्रे कैसे कैसे तरीकेकार क्या थे बनाने के? कभी बॉल पे लिख के ले गए या कुछ ऐसा? नहीं, वो परे शरे तो नहीं, लेकिन मैं उसके साथ बैठता था, अच्छा पढ़ा लिखा। अच्छा। होता था उसको। हाँ। उसको मैं ये कहता था कि मेरी टीम में खेलना है स्कूल। हाँ। की ओए होए, मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। आइडिया अच्छा है। हाँ। सुने, आपने नजर भर के देख लिया, लाला को बैठा दूं मैं? वो भी सोचेंगे खड़े करके सारी बातें करनी। प्लीज तशरीफ रखिए, इधर बैठना चाहेंगे अगर? अक्सर मेरे शो पे जो सेलिब्रिटीज आते हैं, बात तो सुनो, हाँ खामोशी। अक्सर मेरे शो पे जो सेलिब्रिटीज आते हैं उनको ये होता है कि उनका ये एंगल अच्छा है कि ये, तो इसलिए मैं उनसे पूछ लेती हूँ इधर बैठना है या इधर बैठना है, क्योंकि यहाँ बैठेंगे तो आपका ये वाला एंगल आएगा। नहीं, मैं यहाँ इसलिए बैठा था कि आपका एंगल अच्छा लगे। बहुत शुक्रिया। आज आप यहाँ आए हैं खास मकसद के लिए। माशाल्लाह आपने इतना नाम बनाया, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि उस नाम को आप यूटिलाइज कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए। क्रिकेट खेलकर आपने नाम रोशन किया पाकिस्तान का, मगर अब आप पाकिस्तान को ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए कुछ करना चाहते हैं, और वो इन पाकिस्तानियों की मदद से ही करना चाहते हैं। बिल्कुल, ये एक मिशन आपने शुरू किया। ये कैसे सोचा आपने कि ये क्रिकेट खेलते खेलते और स्पोर्ट्स, कहते ना कि जो स्पोर्ट्स वाले होते हैं वो इतने सीरियस नहीं होते चीज़ों में, मतलब वो मस्ती में लगे होते हैं, खेल कूद में लगे होते हैं, मगर ये कहाँ से सीरियसनेस आ गई शाहिद अफरीदी में कि शाहिद अफरीदी फाउंडेशन बनाने का सोचा? मैं सबसे पहले तो
अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मेरे अल्लाह ने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं किसी के काम आ सकूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है जी। दूसरी चीज़ ये है कि जब अगर आपको याद हो जब फ्लड्स आए थे खारान क्वेटा के अंदर और जब फ्लड्स आए थे सिंध के अंदर, फिर जलजला आया था पाकिस्तान में, इन चीज़ों ने मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना जगाया है। हाँ। शायद अफरीदी जाग जाओ, यहाँ पे भी दुनिया बसती है। जब मैं उन लोगों के पास गया, जब सिंध के अंदर मैं उन लोगों से, उन बच्चों से, उन फैमिलीज से मिला जी, तो आप यकीन करें कि उनको देख के मुझे ऐसा महसूस हुआ कि यार मैं तो, या हम लोग तो बड़े बादशाहों वाली जिंदगी गुजारते हैं, ये किस हाल में जिंदगी गुजारते हैं ये लोग। अच्छा। ना उनके खाने का पता। आप यकीन करें कि ऐसे गाँव देखे मैंने घूम के, ये नहीं कि मैं टीवी की रिपोर्ट देख के बात करता हूँ, मैं खुद उन लोगों से जाता हूँ मिलता हूँ। आप यकीन करें कि हमारे मुल्क में ऐसे गांव हैं जहाँ बच्चे पानी पी के मरते हैं। पानी किस लिए पिया जाता है? ताकि बंदा जिंदा रहे। हमारे बच्चे पानी पी के मर रहे हैं। ये सिंध की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। हमारे ऐसे एरियाज हैं केपीके में कि जो 8-8, 7-7 किलोमीटर औरतें जाके वहां से पानी लेके आती हैं। तो पानी तो अहम जरूरत है, सबसे ज्यादा जरूरत है। आप हेल्थ की हवाले से देखें तो कोई फैसिलिटीज नहीं है, कुछ भी नहीं है। मुझे तो हकूमतों पे कभी बार हैरत होती है कि 5-5 साल हकूमतें करने के बावजूद इन लोगों ने अपने इलाकों के लिए कुछ नहीं किया। इंसान है ये हो ना कि यार मैं, चलो मैं वजीर आजम हूँ, मैं CM हूँ, मैं अपने इलाके की रोड ही ठीक करा लूं। तो अफसोस होता है इन लोगों के ऊपर कि इन लोगों ने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। तो ऑब्वियसली जब ये लोग कुछ नहीं करते तो अल्लाह हम जैसे लोगों से काम लेना शुरू कर देता है। तो अच्छा, क्या आप बचपन से सेंसिटिव थे और किसी की तकलीफ को देखकर, खुद होता है ना इंसान की नेचर होती है, कोई जिद्दी होते हैं, कोई अग्रेसिव होते हैं, कोई सेंसिटिव होता है, जरा सी किसी का दुख देख के आंख में आंसू आ जाता, आपकी नेचर कैसी थी? मैं खैर इतने आराम से आंखों में आंसू नहीं आता, बड़ा पत्थर दिल आदमी हूं मैं। ओरे ओरे ओरे। लेकिन ये है कि मैं जिस एरिया से मेरा ताल्लुक है केपीके में, उस मिट्टी में खेला हूँ, अच्छी तरह पता है क्या हालात होते हैं लोगों को। फिर मैं कराची की तरफ आया हूं, जो हमारे वाले साहब थे, फिर हमने 82 में, आप लोगों ने भी बहुत स्ट्रगल किया, आपकी फैमिली स्ट्रगल किया है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वाले साहब ने काफी मेहनत की। अच्छा। फिर उसके बाद हम कराची आए, जब कराची आने के बाद फिर सारी चीजें देखी इंसान हर हालात में। उस वक्त तो ये था कि पैसा नहीं था, मोहब्बत बहुत ज्यादा थी लोगों को आपस में। अब तो पैसों की वजह से मोहब्बत कम हो गई लोगों में। हाँ। जो चीजें नजर आती है, शुरू से आपको शौक रहा है कि मैंने पैसा कमाना या कुछ करना, या आप ये कहते थे मैंने अपने इलाके के लिए कुछ करना? उस वक्त पैसों का इतना नहीं था, नहीं था उस वक्त, रिश्ते बहुत मजबूत थे तो उस वक्त इतना पैसों का जहन नहीं जाता था। हाँ, वक्त के साथ साथ जब आपकी इंसान की जरूरतें बढ़ती है तो पैसों की लालच आती है इंसान को। पैसा बुरी चीज नहीं है, बिल्कुल, पैसा जरूरत है जी। हम लोगों ने पैसे को फर्ज कर दिया। हाँ। जो चीज जरूरत फर्ज थी उन्हें हमने जरूरत कर लिया। हाँ ठीक है, जब मुश्किलात आएगी तो हम अल्लाह के सामने खड़े हो जाएंगे यार, लेकिन पैसा होना चाहिए हमारे पास। तो हमने पैसे को फर्ज कर दिया है। तो हकीकत में हमारा जो यकीन था वो यकीन चेंज हो गया है। हमारे आपस में जो रिश्ते, प्यार मोहब्बत वाले रिश्ते, वो खत्म हो गए, सारा यकीन पैसे पे चला गया। हम समझते हैं कि उसी की इज्जत है जिसके पास पैसा है। आपको क्या लगता है कि जब आप आहिस्ता आहिस्ता आपका नाम बनता रहा तो आपके अंदर पॉजिटिव चेंजेस आए? क्योंकि कभी कभी होता है ना, जब यंग लड़के को एकदम फेम मिल जाता है थोड़ा सा जरा गुरूर आ जाता है ना, कभी आया शाहिद आफरीदी के अंदर वो घमंड गुरूर, जब इतने सारे लोग मोहब्बत करते हैं ना, तो थोड़ा बहुत क्या चेंजेस? बिल्कुल, ये जो चीज है, इंसान बहुत कमजोर चीज है, एक वक्त में ये चीजें आती हैं, मेरे साथ आती रही हैं। मैं, असल चीज ये है कि जब गलती हो रही हो तो इंसान जब रियलाइज करता है तो वो अच्छी चीज है। बिल्कुल। तो मुझे अपनी चीजों का पता चलता है कि ये गलत कर रहा हूँ, या मेरे ऐसे दोस्तों का सर्कल है। हमारे पश्तों में एक मिसाल दी जाती है कि दोस्त रुलाएगा दुश्मन हंसाएगा। तो दोस्त हमेशा आपकी गलतियां बताएगा आपको। तो मेरे साथ ऐसे दोस्त है, जो मैं कोई गलती करता तो मेरे साथ हर बात में यस सर जी शायद भाई बिल्कुल ठीक है, ये कर रहे हैं आप ठीक है, ऐसे दोस्त नहीं है मेरे। अच्छा। तो मेरी गलती को गलती कहते हैं। तो वक्त के साथ चीजें रियलाइज होती है। आप शादी से पहले आपकी पहली लाइफ होती है, शादी के बाद चेंज होते हो, आप कोशिश करते हो, शादी करते क्यों हो आप? चेंज हुए शादी के बाद? शादी के बाद महसूस किया है, और खासतौर पर बच्चों के बाद बहुत ज्यादा मैंने अपने आप को चेंज महसूस। बच्चों के बाद आप ज्यादा इमोशनल हो गए, और जिस ये फाउंडेशन है बच्चों के बाद शुरू किया आपने ना? नहीं, ये मैंने जब वालिद साहब का मेरा इंतकाल हुआ 2012 में, उसके बाद फिर मैंने शुरू की। अच्छा, तो क्या वालिद साहब की ख्वाहिश थी कि कोई इस तरह का फाउंडेशन हो, या वालिद साहब के इंतकाल ने आपको बहुत ज्यादा इमोशनल कर दिया और आप ज्यादा सोचने लगे अपनी? वालिद साहब जो है ना मेरे, वो बड़े खामोशी से छुप छुप के लोगों की हेल्प करते थे, तो वो चीजें मुझे बहुत पसंद आती थी। बचपन से ग्रैब की होंगी वो चीजें, मुझे बहुत पसंद आती थी कि जिस एरिया से थे वहाँ के लोग, इसलिए कि वहाँ पे तकरीबन 80
80-90% लोग ज़कात वाले लोग हैं। जब से मैंने हॉस्पिटल शुरू किया तो मुझे चीज़ों का पता चला है वहाँ ज़कात वाले लोग हैं, तो मेरे वालिद साहब खामोशी से उनकी मदद करते थे। अच्छा। तो उनकी ये अदा मुझे बहुत पसंद थी, इसलिए कि अपने लिए ज़िंदगी गुजारना ही कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान सी बात है। हम तो बादशाहों की तरह ज़िंदगी हर कोई अच्छा गुजार रहा है, लेकिन किसी और की मदद करना वो फीलिंग ऐसी आती है, वो उन्हें आप मैं अल्फाज में नहीं बयान कर सकता, वो अल्लाह की तरफ से आपके इंसान के अंदर आती है। तो मैं वो चीज़ बहुत अच्छी महसूस करता हूँ, किसी की भी कोई हेल्प हो जाती है। एक छोटे से ब्रेक ले रहे हैं जी, आपको थोड़ा सा और तड़पाएंगे, शाहिद अफरीदी से आपकी बात करवाएंगे, मुलाकात करवाएंगे। यहाँ बहुत सारी लड़कियां बैठी हुई हैं जो पता नहीं कितनी बेताब हो रही है इनसे तस्वीरें खिंचवाने के लिए, मैंने इनको रोक के रखा हुआ है, रुक जाओ प्रोग्राम खत्म हो जाए फिर सबके साथ एक कॉम्बो हो जाएगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ, शाहिद अफरीदी साहब आज हमारे पास, लाला हमारे साथ आज मौजूद हैं और बात करेंगे हम शाहिद अफरीदी फाउंडेशन के ऊपर, किस तरह लेकर हमने साथ चलना है। शाहिद अफरीदी फाउंडेशन का हिस्सा मैं बन चुकी हूँ अब इस प्रोग्राम के थ्रू, ARY बन चुका है, आप भी बनेंगे इंशाल्लाह। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, एक ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान जी, आज आप सबके फेवरेट गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, फखरे पाकिस्तान जिन्हें पूरा पाकिस्तान लाला कहता है, बूम बूम आफरीदी, शाहिद आफरीदी आज हमारे साथ हैं और उनसे बहुत ही प्यारी और मज़े की बातें हो रही हैं, और एक ख़ास मकसद की वजह से आज का शो डिज़ाइन किया गया है, शाहिद आफरीदी फाउंडेशन जिसका टेलीथॉन आज रात 10 बजे है, वो सब हमने सिर्फ देखना नहीं है बल्कि हमें सपोर्ट करना है शाहिद आफरीदी फाउंडेशन को। जी इतने सेंसिटिव माशाल्लाह, एक फैमिली मैन, आपसे लोग इसलिए भी प्यार करते हैं, आप तो अच्छे खिलाड़ी हैं ही, फखरे पाकिस्तान हैं, मगर आप अपने बहुत पॉजिटिव फैमिली मैन नज़र आते हैं हमेशा, जब भी आपका नाम आया है, आपकी बेटियां, आपकी फैमिली, आपके अब्बू, आपके भाई, इन सब को आप साथ साथ लेके चलते हैं। फैमिली आई थिंक कि मेरे ख्याल में फैमिली से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ कोई भी नहीं है, इसलिए कि एक बहुत शादी का मतलब ये नहीं है कि आप बस शादी एक फॉर्मेलिटी हो गई है, एक शादी का मतलब को समझना चाहिए, आपके बच्चे उनको क्या तरबियत होनी चाहिए आज, और ख़ासतौर पर आपको पता है जिस तरह का आजकल का हमारा माशरा हुआ है, जो माहौल इर्द गिर्द चल रहा है, तो बच्चों पे वालदैन को तो बहुत ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए। आप क्या सोचते हैं अपनी बेटियों के बारे में कि आपने उनको क्या फ्यूचर देना है, क्या मतलब उनको किस तरह पढ़ाना है, क्योंकि आप एजुकेशन के मामले में काफ़ी मुझे लगता है कि नहीं नहीं बच्चों को तालीम देनी चाहिए, बच्चे आजकल मैं समझता हूँ कि तालीम के बगैर कुछ नहीं है, तो बच्चों के लिए तालीम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हासिल करनी चाहिए। हाँ एक चीज़ होता है शौक, जैसे मेरी जो दूसरी बेटी है अंशा, वो कहती है कि बाबा मुझे डिज़ाइनर अच्छा बनना है, अच्छा। उसको बहुत ज़्यादा शौक है। और बड़ी बेटी क्या कहती है? वो बड़ी बेटी उसको क्या क्रिकेट की तरफ जाना है, अच्छा। तो मैंने क्रिकेट खेलनी है, तो क्रिकेट का इतना शौक अच्छा। है इतना शौक है उसको, लेकिन उसको ये पता है कि अब्बू की तरफ से इजाजत नहीं मिलेगी, लेकिन इंडोर जितने गेम वो खेलना चाहे वो बिल्कुल खेल सकती है। लेकिन फिर वो आगे सोचती क्या है कि वो क्या बनना चाहती है आगे, आपने क्या ऑप्शन दिया? मैंने उनको यही दिया कि आप मैट्रिक कर लें पहले, अच्छा। फिर उसके बाद देखते हैं कि किस तरफ आपका दिल और दिमाग जा रहा है, फिर इंशाल्लाह वैसे ही हो जाएगा। और दूसरी वाली फैशन डिजाइनर बनना है, वो उसका शौक है, तो मैंने इजाजत देंगे, मैंने कहा कि मैट्रिक करो, हाँ। फिर उसके बाद देखते हैं कहाँ। और तीसरी वाली अजवा, उसको वो खाने का शौक है, सबसे उसको खाने का बहुत शौक है। तो क्या आप क्या कहते हैं कि खाओ बेटा कोई मसला नहीं है, आप कहते हैं कि नहीं नहीं मतलब डाइट कंट्रोल रखो, कॉन्शियस रहो? मैं कहता हूँ कि खाओ, बिल्कुल खाओ, लेकिन ट्रेनिंग ना छोड़ो, ट्रेनिंग अच्छा। उनके लिए घर में जिम में बनाया हुआ है, तो मैंने कहा यहाँ पे ट्रेनिंग लाजमी है। कोई टाइम आपने फिक्स किया हुआ है कि इस टाइम पर ट्रेनिंग करनी है? डिसिप्लिन जिस तरह आप स्पोर्ट्स पर्सन मेंटेन करते हैं अपनी जिंदगी में, बच्चियों के लिए नहीं? नहीं नहीं मैं जबरदस्ती करने की कोशिश करता हूँ कि आपको इस टाइम पे जिम जाना चाहिए, ये टाइम ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, लेकिन फिर मैं जब अपने बारे में सोचता था कि मैं जब छोटा था तो क्या हरकतें करता था, मैंने कहा करो जो करना है। क्या करते थे? खाते थे बहुत? नहीं खाते भी थे, लेकिन मैं ट्रेनिंग क्रिकेट ऑब्वियसली, अब बेटियां तो नहीं जा सकती क्रिकेट खेलने के लिए, घर में खेल कूद लगाया हुआ होता है, तो अभी उनको मैंने रिलैक्स छोड़ा हुआ है फिलहाल। अच्छा और जो सबसे छोटी है असमारा? हाँ असमारा दिमाग खाती है बहुत ज्यादा, वो हमारी घर की जान है, और मैं समझता हूँ कि छोटी होती है तो आप ज्यादा प्यार देते हो, और लेकिन मैं नहीं चाहता कि बहुत ज्यादा प्यार मिले कि बाद में संभालना मुश्किल हो जाए, तो उसको जरा रखा हुआ है, लेकिन अभी फिलहाल छोटी है तो वो भी रिलैक्स कर। अच्छा शाहिद आफरीदी की 4 बेटियां हैं, कभी ऐसा हुआ कि बेटे की ख्वाहिश, और वो कहते हैं दुआएं मांगते हैं, मन्नतें मांगते हैं? मैं हमारे पठानों में ये रिवाज बहुत ज्यादा है बेटों वाला, आप यकीन करें कि मेरे दिल और दिमाग में बेटे का कोई हल्का सा होता है ना कि इतना से भी आए, बिल्कुल नहीं आया। वो इसलिए क्यों नहीं आया कि बेटियों के हवाले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हदीसें
फरमाई है वो बहुत ज्यादा है और साथ में मैं समझता हूँ कि मेरी हर बेटी के साथ मुझे ऐसा नजर आया खुली आंखों से जैसे मेरी किस्मत बदल रही है। तो बेटी मेरा जितने भी दोस्त हैं जिनकी नई शादी होती है उनके लिए मेरी हमेशा दुआ होती है कि पहली औलाद उनकी बेटी ही हो। बिल्कुल बिल्कुल, अगर मैं प्रैक्टिकली शाहिद अफरीदी से पूछूं कि पहली बेटी जब उनके हाथ में आई तो फिर उनकी जिंदगी में क्या चेंज आया, फिर दूसरी बेटी आई तो क्या आया, तीसरी आई तो क्या आया, क्या चेंजेस आती गई आपके रवैयों में, आपकी सोच में? ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है। हाँ। और तो कुछ ऐसी खास नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है। आप बेटियां होती हैं, आपके बच्चे आपके जवाब में, अक्सर की जो आपने बात की ऑब्वियसली वो एक ऐसी फीलिंग थी कि मैं हाथ मेरे लिटरली कांप रहे थे। हाँ। वो फीलिंग थी मेरी। और मैं खुद गया था हॉस्पिटल और मैं अंदर तो नहीं जा सकता था तो मैंने उसको बाहर ही पार्किंग में गाड़ी में बैठा हुआ था, मेरे हाथ लिटरली कांप रहे थे उसको देखते हुए। तो अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है। देखिए बात यह है कि अल्लाह जिसे बेटे देना चाहे तो बेटी नहीं हो सकती, इसी तरह बेटी का जिसको अल्लाह बेटियों में नवाजना चाहे तो बेटे जरूरी नहीं है, किसी को दोनों देता है। और होता ये कि किसी को कुछ भी नहीं देता। हाँ। और जिनको देता है वो डिसेबल स्पेशल बच्चे होते हैं। तो हमें हर वक्त हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ने जो जो चीजें दी है शुक्र है। कौन सी चारों में से कौन सी बेटी जो अब्बा के लिए लड़ती है, जो लड़ ली है आपकी? अब ये तो नहीं आप कह सकते। अक्सर को काफी सपोर्ट मिलती है मेरी तरफ से। अच्छा। बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलती है। सबसे बड़ी है अक्सर, सबसे बड़ी है। अच्छा। उसको बहुत ज्यादा सपोर्ट मेरी तरफ से मिलती है और अम्मी को वो कहती है मैं अब्बू को कह दूंगी अगर आपने मेरी बात नहीं मानी। बस जिस तरह आप उंगली कर रही है अक्सर ही करती है। यानी कि वो अब्बा की करती है, अब्बा के उस पर ग्रुप पे फुल धमकियां देती है अम्मी। अच्छा। और कौन सी चारों में से कौन सी ऐसी जो बस वो ना उसको हर वक्त अब्बा के जाके प्यार करना है, अब्बा से हक करना है, अब्बा को गले लगाना है? अजवा। अजवा अक्सा भी करती है। अच्छा। और अजवा तीसरे नंबर अक्सा बड़ी वाली है और अजवा तीसरे नंबर पर। हाँ, अक्सा है, फिर अंशा, अजवा, असमारा। माशाल्लाह। नाम किसने रखे बच्चों के? अक्सा का नाम वालिद साहब ने रखा था, उसके बाद अंशा मैंने रखा था, अजवा भी मैंने रखा था, असमारा का नहीं पता चला। अच्छा। और सब ए से आपने रखे नाम, अफरीदी तो फिर बस ए से ही शुरू कर दिया। ए से ही शुरू किया। और बेगम का नाम नादिया। एन से जी नादिया ना। हाँ, ये इनको सब पता है, ये आपके आने से पहले सब बता चुके। इनकी जगह किसी और को बिठाना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि हम हैरान ये होते हैं कि इतना नामवर खिलाड़ी जो दुनिया भर माशाल्लाह घूमा हुआ है उसने अम्मा अब्बा की पसंद से शादी की। हाँ जी, मैंने कहा अगर गलत होगी तो फिर दोबारा चांस ले लेंगे। नहीं, लेकिन मैं इस मामले में मैं अपने आप को बड़ा किस्मत वाला समझता हूँ, इसलिए कि एक दिन वालिद साहब हमारे टेरिस में खड़े थे और मुझे बुलाया उन्होंने। हाँ। और उन्होंने मुझे ये कहा कि उनसे मैंने पहले कहा था कि अब मेरी शादी करा दें आप बस जल्दी। हाँ। तो माँ बाप के लिए और क्या चाहिए, बेटा कह रहा है शादी। हाँ। करा दें। तो खैर टेरेस में खड़े हुए थे तो उन्होंने मुझे बुलाया कि बेटा पहले आपके कहने से पहले वो पूछते रहते थे कि मैं शादी करा दूं। नहीं नहीं नहीं, वो तो सोच रहे थे अभी क्रिकेट शुरू की है तो बाद में जाके आपने कहा करा दे बस शादी कर दें, 2000 की बात है। तो अब मुझे बुला के कहा कि बेटा मैंने तो आपकी मंगनी की बात कर दी। तो आपने नहीं पूछा कहाँ की? नहीं, मैंने कहा बहुत अच्छा किया आपने। हाँ। तो वो ना आंखों में आंसू थोड़े से ना कि हाँ। इतना नाम इसका सारा कुछ जिसने। हाँ। मुझे ये नहीं कहा कि कौन है, किससे पूछ के कि ये। हाँ। वो मैंने कहा कर दी है मैंने, बहुत जबरदस्त। उसका कमी हयात थी, अम्मी थी मेरी, अम्मी की रिश्तेदार। जाके नहीं पूछा कि तस्वीर तो दिखा दे? नहीं, तस्वीर बाद में मंगवाई मैंने। तो जब तस्वीर देखी तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने कहा अच्छा, उस वक्त वो थी भी छोटी थी। अच्छा। वो छोटी थी तो ऊपर से हमारे गांव में पठानों में हमारे इतने मेकअप करा देते हैं और लाल लाल दुपट्टे ये वो। मैंने कहा अल्लाह खैर करे। हाँ। मैंने कहा यार और मंगवाओ तस्वीरें कुछ। हाँ। फिर जो बगैर मेकअप वेकअप के आई तो मैंने कहा अब ठीक है यार। हाँ, फिर सही है। अच्छा, उन्होंने भी आपकी वाइफ आपकी फैन थी शादी से पहले या फिर उन्होंने भी अपनी अम्मा अब्बा की मर्जी के आगे सर झुकाया? नहीं, वो क्रिकेट शिकेट से कोई लगाव कुछ नहीं। तो आप जब आपकी शादी हुई तब आपने पहली दफा उनको लाइक ऐसे देखा या बातचीत हुई थी पहले? मैंने पिक्चर में देखी थी और पहली रात शादी की तब देखा था। ओए होए होए होए। तो फिर ऐसा हुआ कभी कि शादी के बाद माशाल्लाह आपके पीछे लड़कियां हर एज की दीवानी थी तो कभी बीवी को जेलसी फील, इनसिक्योरिटी, इस तरह की चीजें तो नहीं हुई? उसको समझाने में काफी टाइम लगा और अभी भी समझा ही रहा हूँ। कितने साल लग गए? कितने साल है शादी से लेकर अभी तक? माशाल्लाह कितने साल हो गए आपकी शादी को?
ये मुश्किल सवाल पूछ लिया आपने। 15-16 साल हो गए। 16 साल और कभी ऐसा हुआ इन 16 सालों में आप बाथरूम गए और वापस आए हो तो आपका मोबाइल आपकी बेगम के हाथ में चेक हो रहा है? अभी उन्होंने ये कर दिया है, ये चेक नहीं करती, अब उन्होंने ये कर दिया है कि जो एप्पल आईडी है ना वो सेम बनवा दी है। तो मैं कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं कर सकता। अच्छा। नहीं आई थिंक कि मैं समझता हूँ कि मैं बहुत ज्यादा लकी हूँ, बहुत लकी हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे ऐसी बीवी दी है। ऑब्वियसली देखें हमारी जो लाइफ है उसमें इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन अच्छी औरत का साथ होना जो आपको बात करती हैं आपसे, इसलिए कि इंसान है रोशनियों में, दुनिया की रोशनी में खो जाता है, लेकिन ऐसे लोग होने चाहिए जो आपको याद दहानी दिला सकें कि इंसान के बच्चे बन जाओ। आए हाय क्या बात है। अच्छा ये महविश है ना तुम्हारा नाम, उरुज। उरुज ने मुझे बताया एक फैन लड़की है आपकी, कोई दुल्हन बन के आपके घर आ गई थी, ये कोई एग्जैजरेशन है कि असल वाकया है? उरुज ने बताया है ना उरुज? हाँ ऐसा हुआ था। आप तो नहीं थी ना? अच्छा हाँ ये बहुत पुराना वाक्य है, बिल्कुल ये हुआ था। नादिया को बताया आपने? बल्कि बेगम को पता है, बताया मैंने। अच्छा तो वो फुल दुल्हन वुल्हन बनकर आ गई थी आपके? बिल्कुल जबरदस्त गाड़ी में बैठी हुई थी, सिर्फ मुझे बिठाना था। फिर आपने कैसे समझाया, मतलब उस वक्त लोग लड़कियां जज्बाती हुई भी होती है तो क्या तरीके कार है उनको समझाने का? मैंने कहा नहीं मेरा कोई मूड नहीं है शादी का, अभी मैं बहुत यंग हूँ, शादी के लिए बहुत टाइम है, फिर इंशाल्लाह सोचेंगे। तो वो तो फुल तैयारी से आई? बिल्कुल जबरदस्त तरीके से। तो जब आपकी शादी हुई और शादी की खबरें आम हुई फिर क्या हुआ? कुछ किसी ने आपको खून से खत लिखा कि ये आपने क्या किया या आपने तो कुछ और वादे किए थे? मतलब ऐसे होता है ना लोग खुद भी खुद सोचे समझे बैठ जाते हैं। मैसेजेस वगैरह खैर बहुत आए हुए थे, लेकिन आई थिंक ये एक मेंटली भी रेडी था, मुझे पता कि ये सारी चीजें होनी है। लेकिन ये कि आप बहुत सारे आपके पास आते भी हैं, आपसे बात भी करते हैं, कुछ आज समझदार होते हैं, कुछ आज ये लोग ऐसे भी लोग हैं जो अभी तक फॉलो कर रहे हैं, तो उनको समझाना मुश्किल भी हो गया था, लेकिन ये था कि कुछ समझ भी जाता है। कुछ समझ भी जाता है। अच्छा अपनी लुक्स को लेके कितने कॉन्शियस हैं आप? होता है कि मैं अब क्रिकेट खेलने, जैसे आपके अब्बू तो कहते थे तुम क्रिकेट खेल खेल के काले हो गए हो, घर बिठाने की कोशिश कर रहे होते थे, आप कितने कॉन्शियस हैं? मैं वाकई जो अभी आपने बात की बिल्कुल मेरे वाले साहब इसी तरह ही होते थे कि क्या काला चेहरा लेके घर पे बैठ गए हो। इसलिए अब्बू बड़े सख्त नफरत करते थे क्रिकेट से। अच्छा। बिल्कुल पसंद नहीं थी वो चाहते थे कि मैं पढ़ूं। हाँ। और ये टैलेंट अल्लाह ने मेरे अंदर रखा ही नहीं था पढ़ने वाला। तो क्रिकेट इसलिए कि जिस तरह मैंने आपसे पहले कहा कि वो स्कूल भेजते थे मैं ग्राउंड चला जाता था, और इसी वजह से माशाल्लाह मारे भी बहुत खाई थी मैंने, लेकिन ये था कि एक जहन में चीज थी कि यही है सब कुछ अब मेरा। अब हैं कॉन्शियस, होता है कि भाई अब जरा क्रीम वगैरह लगा लूं, कोई रंग खराब ना हो जाए, झुर्रियां ना पड़ जाएं, बाल ना गिर जाएं? नहीं आप यकीन करें बिल्कुल शौक नहीं है इन चीजों का, नॉर्मल जैसे हैं वैसे। डाइट शाइट का या कोई विटामिंस लेते हैं मल्टीविटामिन? कोई नहीं, कोई नहीं, मैं खाना जबरदस्त तरीके से खाता हूं, कुछ भी खाने में सामने पड़ा हुआ मैं बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह शौक से खाता हूं, लेकिन ट्रेनिंग नहीं छोड़ता, चाहे वो रात का 1 बज रहा हो चाहे सुबह के 6 बज रहे। तो जो आपके चेहरे पे माशाल्लाह ग्लो है वो आपके दिल की वजह से, आपकी नियत की वजह से, या आप एक्सरसाइज जो करते हैं उसकी वजह से? वो देखें वो कहते हैं ना कि व्हाटएवर यू टेक इट्स रिफ्लेक्ट ऑन योर फेस। तो खाने में बहुत ज्यादा थोड़ा देखता हूँ कि खाना खा क्या रहा है। अब रोज तो निहारी बिरयानी है तो नहीं खा सकते। वैसे खाते क्या हैं शौक से? चाइनीज बहुत पसंद है। सिंधी बिरयानी बहुत शौक से खाता हूँ। जैसे हमारी अपने जो खाने जैसे निहारी हो गए या पाए हो गए ये इतने मजेदार चीजें हैं, लेकिन इसको आप रोज रोज नहीं खा सकते। ये रोज खाने वाली चीजें नहीं है, 10 दिन में 15 दिन। वैसे क्या आप डाइट लेते हैं? वैसे मैं बारबेक्यू पठान हूं तो हर चीज में दाल में भी गोश्त नजर आना चाहिए हमें। तो सब्जी हर सैलेड वगैरह चीज सारी चीजें शौक से खाते हैं। सब चीजें शौक से। अच्छा मैंने सुना था आप जब बाहर जाते थे तो कुछ आपने देसी फूड खुद भी पकाया है? काउंटी सीजन जब होता है इंग्लैंड में तो आप रोज रोज बाहर जा नहीं सकते, तो वहाँ पे घर होता है किचन वगैरह। तो जब शादी नहीं हुई थी उस वक्त यही था कि कढ़ाई बना ली, एक दफा मैंने भिंडी बना ली उसमें पानी डाल दिया था। लेकिन आप ये जब मैंने फोन करके पूछा घर वालों से कि मैंने तो भिंडी में पानी डाल दिया अब क्या करूं, कह रहे डाल दिया। कहते ये क्या कि दोबारा बनाओ। अच्छा। तो मैंने कहा छोड़ तो नहीं सकते इतनी मेहनत से बनाया मैंने। आप यकीन करें इतना जबरदस्त बना हुआ था पानी वाली भिंडी। हां 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 इतनी मजेदार रेसिपी। याद है क्या मसाले थे उसके अंदर? अब मसाले ना पूछे ना, इसका मुझसे जो सामने पड़ा था डाल दिया। अच्छा शाहिद आफरीदी आपके साथ सबसे ज़्यादा पैसे किस चीज़ पे खर्च करता है? कपड़ों पे, शूज़ पे, बच्चों के खिलौनों पर, बच्चों के कपड़ों पे, या बीवी की ज्वेलरी पर? अच्छा बेगम मेरी कोई इतनी फरमाइशी है नहीं, नहीं वो कुछ भी ले आए शौक से तो वो कबूल कर लेती है, लेकिन जहाँ तक मेरी अपनी बात है
पहले बहुत ज्यादा ब्रांड कॉन्शियस था, लेकिन अभी ऐसे कुछ नहीं है, जो है पहन लिया। और बच्चों की क्या फरमाइश होती है आजकल? बच्चों की क्या आजकल, वो क्या आता है वो जो स्पिनर आजकल एक आया हुआ बच्चों को, स्पिनर वो जो गोल गोल घूमता रहता है, मेरे बच्चे भी आजकल उसी से खेल रहे होते हैं। वो शौक है, आईपैड गैजेट्स का शौक है। हाँ, मोबाइल्स वगैरह तो खैर वो दूर दूर है, मोबाइल का अभी बच्चों की आदत नहीं डलवाई है मैंने, लेकिन यही ज्यादातर शौक होते हैं। अंशा कुछ मेकअप की चीजें, अस्मारा मेकअप की चीजें शौक से मंगवाती है, सबसे छोटी है ना, सबसे छोटी जो है। और अजवा खाने पीने की चीजें, चॉकलेट शौक से मंगवाती है। और बाकी दो अक्सर इतनी भी फरमाइश नहीं है, नहीं है। वो कहती बाबा आपने जब मैं मैट्रिक करूंगी तब आपने मुझे मोबाइल दिलाना। मैंने कहा मैंने भी वही सोचा है। स्वीट स्वीट स्वीट। अच्छा कौन सी बेटी जब जब क्रिकेट आप खेल रहे होते थे, और कौन सी बेटी जब वहाँ बैठी होती थी तो आपका जो कहते हैं ना लेवल कॉन्फिडेंस का वो ये बूम कर जाता था खेलते वक्त? अक्सर अंशा जब PSL वगैरह होते हमारे तो उसमें अक्सर अंशा ज्यादा क्रिकेट में, मैं अगर जलमी की टीम में भी था तो वो सेकंड जून की टीम थी, वो कराची की टीम बहुत ज्यादा कि हमें कराची को सपोर्ट करना है, तो सामने जो बैठी हुई होती दोनों बहुत ज्यादा मोटिवेट करती थी। और मैच से पहले कि बाबा प्लीज अपने ऊपर आप जिन्हें यकीन रखना है कि आज आप परफॉर्म करेंगे, तो वो ये चीज है। मैं भी आप हारे हैं कभी तो रोई हैं वो लोग? रोई है मतलब 2011 के वर्ल्ड कप में रोई है। और लास्ट ईयर जब हम हमारी पिशावर की टीम जब हारी थी तब अल्लाह। फिर आपने कैसे संभाला उन्हें, क्या समझाया ऐसे कि भाई चलो हार जीत तो होती है? वो जब आप घर वापस आते हो तो गिले शिकवे तो सुनते ही, फिर आप समझाते हो कि ठीक है क्रिकेट का हिस्सा चलता रहता है, शुक्र समझ जाती है। अच्छा अच्छा अगर मैं आपसे ये पूछूं कि शाहिद आफरीदी फाउंडेशन को खड़ा करने में किसका हाथ है सबसे ज्यादा, आपके करीबी लोगों में से, तो आप क्या कहेंगे? शाहिद आफरीदी को फाउंडेशन को सपोर्ट करने में, मैं समझता हूँ कि जब ये काम शुरू किया और इस काम को लोगों तक लेके गया मैं, तो लोगों की दुआओं ने बड़ा हेल्प किया और मेरे इस कॉज को बड़ा सपोर्ट किया। मैंने हॉस्पिटल पहले बनाया जी, उसके बाद फिर मैंने फाउंडेशन कुहाड़ में बनाया था, कुहाड़ के अंदर जो हॉस्पिटल जहाँ पैदा हुए जी, वहाँ पे हॉस्पिटल बनाया। मेरे अपने दोस्तों का जो ग्रुप है जी, हमने मिलकर सपोर्ट किया फाउंडेशन, हमने कई चैरिटी डिनर्स या लोगों के पास जाके पैसे नहीं जो आपके सारे दोस्त थे, जो मेरे 8-10 दोस्त उन्होंने थोड़े-थोड़े पैसे दिए और इस तरह जी। अच्छा। जी, तो हमने मिलकर, उन्होंने अपने बिजनेसेस से पैसे निकाल के उन्होंने इस फाउंडेशन को संभाला। जैसे हॉस्पिटल था, हॉस्पिटल जब वालिद साहब का इंतकाल हुआ मेरे, तो मैंने ताया को गांव में फोन किया कि मैं कुछ करना चाहता हूँ वालिद साहब, इसलिए वालिद साहब ने वहाँ ऑलरेडी मस्जिद भी बना दी थी, मदरसा भी बना दिया था, तो मैंने कहा वालिद साहब के लिए कुछ करना चाहता हूँ, क्या करना है? मैंने कहा मुझे जमीन चाहिए, मैंने कुछ ना कुछ क्लिनिक बनाना है छोटा सा वहाँ पे। अच्छा, तो कह रहे किस चीज के लिए परेशान हो? मैंने कहा जमीन की बात कर रहा हूँ, तो कह रहे तुम्हारे वालिद साहब के नाम पे यहाँ पे जमीन है? तो मैंने कहा शुक्र है मुझे गवर्नमेंट से नहीं लेनी पड़ेगी। तो खैर वो वालिद साहब अब्बू की जमीन के ऊपर, वो हुआ ये था कि वो कहते हैं ना जब आप किसी अच्छी चीज की नियत करते हैं तो अल्लाह रास्ते खोल देता है, तो मैंने नियत की, अल्लाह ताला ने मुझे वहाँ पे वालिद साहब के नाम पे जमीन थी बहुत बड़ी, तो मैंने वही हॉस्पिटल का इरादा किया। अच्छा, हॉस्पिटल का इरादा भी नहीं किया मैंने, सिर्फ दो कमरे होंगे, एक में डॉक्टर होगा, दूसरे में मेडिसिन वगैरह लोग आएंगे लेके जाएंगे। आप यकीन करें कि खुद बखुद हॉस्पिटल की शक्ल मुझे नहीं पता किस तरह इख्तियार की, 16 बेड हॉस्पिटल है अल्हम्दुलिल्लाह, आज उस एरिया में लेबोरेटरी, एक्सरे, OPD, एमरजेंसी, अल्ट्रासाउंड, अभी कुछ दिनों पहले डेंटल क्लिनिक भी खोला है वहाँ पे। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप वहाँ पे, आपने पहली दफा सुना होगा कि लोग शहर से गांव इलाज कराने आ रहे हैं, वरना होता ही है कि शहर गांव से लोग शहर जाते हैं इलाज कराने। क्या बात है जनाब, तो आज रात को 10 बजे आप ARY पे देखेंगे, टेलीथॉन होगा शाहिद आफरीदी फाउंडेशन का, और मुझे उम्मीद है, मुझे ट्रस्ट है आप लोगों पे कि आप अपने बूम बूम आफरीदी का साथ यहाँ भी नहीं छोड़ेंगे, सिर्फ शामिल नहीं होंगे टेलीथॉन में बल्कि अपने डोनेशंस देकर शामिल होंगे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ बूम बूम आफरीदी के साथ। अस्सलाम वालेकुम। अपने लिए जिंदगी गुजारना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन दूसरों के लिए जिंदगी डेडिकेट करना बहुत बड़ी बात है। जिस तरीके से आप लोगों ने मेरी फर्स्ट इनिंग में साथ दिया, मैं चाहता हूँ जो मैंने सेकंड इनिंग अपनी जिंदगी की शुरू की है उसमें भी आप मेरा साथ दें। शाहिद आफरीदी फाउंडेशन और आप लोग, हम सब मिलकर इस पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए जो कुछ हमसे हो सके हम करने के लिए तैयार हों। होप नॉट आउट। देखिए शाहिद आफरीदी फाउंडेशन स्पेशल लाइफ टेलीथॉन 24 मई बरोज बुध रात 10 बजे से।
सिर्फ ARY डिजिटल पर। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। शाहिद आफरीदी आज हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, खास मकसद को लेकर। आज रात को ARY पर 10 बजे उनका टेलीथॉन है और हम सब ने सपोर्ट करना है शाहिद आफरीदी फाउंडेशन को। जी शाहिद, आपसे बहुत सारी बातें हुई, पहली दफ़ा मैं मिल रही हूँ लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि मैं आपसे पहली दफ़ा मिल रही हूँ। बच्चों की बातें हुई, आपकी अबू की बात हुई, अम्मी की बात नहीं अभी तक मैं कर पाई। अम्मी से कैसा रिलेशन था शाहिद का? वालदा से मेरी ज़िंदगी में, मेरे ख्याल में जो रंग थे मेरी ज़िंदगी में, वो मेरे वालदा की वजह से थे। और बड़े किस्मत वाले लोग हैं जिनके वालदैन जिंदा, और स्पेशली उनमें माँ जो हो, तो माँ से वो रिश्ता था। और एक बहुत ही सीधी सादी औरत, बड़ी हर वक्त अल्लाह अल्लाह करने वाली औरत। और मैंने जब मैं खेला पाकिस्तान से, और उससे पहले जो मुझे थोड़ा बहुत याद है कि जब भी कोई घर पे घंटी बजाने वाला कोई भी आता था बंदा, या बुजुर्ग खातून आती थी, वो बगैर खाए पिए या बगैर कुछ पैसे लिए हमारे घर से नहीं जाते थे। तो मेरी वालदा इन चीज़ों में बहुत आगे थी, बहुत ख्याल रखती थी गरीब लोगों का। तो आई थिंक उनकी एक दुआओं का साया मैं समझता हूँ कि अभी भी बरकरार है हमारे ऊपर, और उनकी दुआओं पे चल रहे हैं। और शाहिद आफरीदी फाउंडेशन बनने का मुझे लगता है जो अब मैं आपसे कह रही थी ना, जो पिलर्स है जी, वो आपके बचपन से आपने अपने अब्बू और अम्मी को देखा है, जो वो आपके अंदर जज्ब हो गई थी चीज, और वो अब निकल के बाहर आ रही है फाउंडेशन की शक्ल में। बस अब वही वाली बच्चा जो देखता है वही सीखता है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन उस वक्त हम छोटे छोटे थे तो सिर्फ हमें नजर आता था कि ये कर रहे हैं वालदैन, तो वो चीज ऑब्वियसली आपको समझ आती है बात की। हाँ यार, अगर आप किसी के साथ मदद करते हो तो अल्लाह आपके साथ खुद मदद करता है। लेकिन एक चीज होती है दिखा के करना, वो भी अच्छी चीज है। लोग मोटिवेट होते हैं, कुछ लोग होते हैं सफेद और सफेद पोश लोग होते हैं, खामोशी से भी कर रहे होते हैं। लेकिन आई थिंक हमें करना चाहिए, हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, हेल्प करनी चाहिए। और असल चीज ये है कि जैसा आप करोगे वैसा अल्लाह आपके साथ करेगा। ये तो बहुत सिंपल सी बात है। इस दुनिया में जो बोगे वही काटोगे आप। हमारा इस्लाम तो मतलब बहुत ईजी, वो कह रहे हैं कि मुस्कुराहट भी एक सदका ही है। तो हमसे जो हो सकता है किसी भी उसमें, तो आप हमें करना चाहिए उस चीज। अच्छा, आप अपनी अम्मी के लिए जब कुछ लेकर आते थे तो मतलब होता था कि उनकी ख्वाहिशात होती थी कि मेरे लिए ये लेकर आओ ये, या वो छोटी सी किसी चीज पे खुश हो जाया करती थी? मैं जो भी उनके लिए लेके जाता था मना करती थी। वो वॉक ज्यादा करती थी जी, तो वो शूज वगैरह मंगवाती थी कि अगर ये वाले शूज मिल जाए ताकि इजी हो उनके लिए वॉक करना। बाकी ना उनको सोना चांदी ना कपड़े शपड़े, बिल्कुल कोई शौक नहीं। और आपके लिए क्या सोचती थी वो? होता ना हर बच्चे के लिए, माशाल्लाह जब 11 बहन भाई हैं तो कभी हाथ से अपने खाना खिलाया, कभी आपका नंबर आया? मेरे लिए वो यही सोचती थी कि ये जल्दी ठीक हो जाए ताकि घर में सुकून हो जाए। इसलिए कि वालदा से ज्यादा मार खाई है कि अब्बा से? मैंने वो किसको जीतवाऊं। वालदा से डांट बहुत खाई है। वालदा किस किस चीज से मारा करती थी? रबड़ की चप्पल, हैंगर? नहीं, डांट भी बहुत ज्यादा थी। फिर वो चाहे निशाने नहीं लगाती थी चप्पल के, वो कोशिश करती थी लेकिन उसको हाथ में जो भी आ जाए, चाहे चप्पल हो चाहे डंडे हो, जो भी आ जाए। इसलिए कि वो वालिद साहब की वजह से, वालिद साहब पढ़ाई का बहुत ज्यादा कहते थे, तो मैंने कहा चले वालिद साहब की बात मान के छठी क्लास तक तो मैं अच्छा स्टूडेंट बन गया था। लेकिन आप यकीन करें कि मैं कोशिश भी करता था, मेरा दिमाग जाते नहीं। मैं पढ़ने के लिए जाता तो मेरे जहन में होता था यार कब जल्दी खत्म होता कि मैं मैच खेलने चला जाऊं टेप बॉल का। तो अब दिन रात जब मैं क्रिकेट के बारे में सोच रहा हूं तो मैंने कोई इंजीनियर डॉक्टर तो नहीं बनना। तो बचपन से आपने यही सोचा था कि बस मुझे बनना है तो मुझे क्रिकेटर बनना है और कुछ नहीं बनना? इसलिए कि शौक बहुत ज्यादा था। मैं जिस एरिया में रहता था, फेडल बेरिया के अंदर, हमारी जो पूरा मोहल्ला था उसके अंदर कोई एक दो फैमिली थी, हारून रशीद ब्रादरान फैमिली थी, जो फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स थे जी जी। और सारे क्रिकेट शौक से खेलते थे। और उस दौर में कराची की टेप बॉल की क्रिकेट और मोहल्ले में क्रिकेट बहुत ज्यादा होती थी, तो दिन रात वो खेलना। उसके बाद फिर अच्छा, इसमें मुझे मेरे बड़े भाई ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। और जिस तारिक ने, वो आप मेरी जगह आके बैठ के इंटरव्यू दे दो, मेरे नाम से पहले उन्होंने नाम ले लिया ऑडियंस में से किसी ने बोला तारिक ने। तो खैर उन्होंने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया।
और इसलिए जिस तरह मैंने कहा कि वाले साहब खिलाफ थे क्रिकेट के बहुत ज्यादा, तो काफी ज्यादा सपोर्ट किया। और कोई बहन ऐसी जिन्होंने सपोर्ट किया हो, कभी आप रात को देर से आए क्रिकेट खेल के तो अलग से प्लेट में कोई खाना रखा हुआ है शायद के लिए? नहीं जी, खुद ही निकालना पड़ता था। अच्छा, कोई लाडली बहन, आपकी सबसे लाडली बहन कौन सी है? मेरी छोटी बहन महरुन्निसा, वो होती है इंग्लैंड में, वो सारे तो छोटी भी थी, ऊपर से कुरान हाफिज भी थी, तो उसका वाले साहब खास तौर पे वालदा बहुत ज्यादा ख्याल रखती थी, तो हम सबकी लाडली थी। अच्छा, माशाल्लाह। आपके बहनों की शादियां करने में और मतलब घर को बेहतर बनाने में, अपने स्टेटस को ऊपर ले जाने में आपका रोल रहा है ज्यादा, या आप लोग अभी भी सादगी से ही लाइफ गुजारते? मेरी सिस्टर्स वगैरह, वो मेरी क्रिकेट से पहले ही दो की शादी हो गई, तीन की शादी हो गई थी। अच्छा। उसके बाद क्रिकेट के बाद शादी हुई है, वो बिल्कुल सिंपल वालदा की जो नक्शे कदम पे उसी तरह, जिस तरह वालदा करती थी बिल्कुल उसी तरह रहती है उनको, मतलब बहुत ज्यादा कोई वो शौक, मैं स्टार की बहन हूँ, नहीं वो बिल्कुल ये चीज ऐसा कुछ नहीं, किसी में ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, आपकी नेचर कैसी है? आप सफाई पसंद है, या अगर कमरा गंदा भी होगा या घर पे जाले भी लगे होंगे तो चलेगा? शायद अफरीदी को कोई प्रॉब्लम नहीं? बिल्कुल नहीं चलेगा। नहीं चलेगा? अच्छा, सफाई सफाई अच्छा लगता है, साफ सुथरा काम। अभी जैसे ये नीचे देख रहा हूँ काफी कचरा हुआ हुआ है, उतरने वाला हो गया, ये मैं शर्मिंदा हो गए, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। लेकिन टेबल जो आपने लगाई है बहुत अच्छी लगाई हुई है। हाँ, अच्छी लग रही है। लेकिन इसमें मट्टी है क्या? वो थोड़ा सा सफाई को ज्यादा करवाएंगे तो पता चल जाएगा। बिस्ती खराब हो गई, सेट चेंज करवा दो यार भाई। बाकी जो आपने अपने घर की सेटिंग चेंज करने में या अपने घर का रंग चेंज करने में, दरवाजे का कलर क्या होना चाहिए, डेकोरेशन पीसेस क्या, इसमें कुछ पार्टिसिपेट करते हैं कि नहीं? बिल्कुल करता हूँ। अभी लास्ट अभी शिफ्ट हुआ हूँ, कुछ पाँच छह महीने पहले यहाँ डिफेंस शिफ्ट हुआ हूँ। नेवल कॉलोनी, वो तो बताना नहीं था मुझे। कौन सा? नहीं बताना था, एड्रेस तो नहीं बताना ना, फिर लोग जमा हो जाएंगे। प्लीज ना बताएं वो। हाँ, वो घर मैंने आपका बाहर, वो ऐसी जगह बहुत दूर है तो सुकून है वहाँ। हाँ, बहुत दूर है वो, वहाँ कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकते। परिंदे मारते हैं। अच्छा, परिंदे चील होते हैं वहाँ। तो वहाँ पे थोड़ी बहुत अभी जरा शौक से घर बनाया है, काफी अरसे बाद घर बनाया। इससे पहले भी मैं मलीर कैंट रहता था। डिजाइन करवाया है खुद जाके, पसंद किए ये टाइल लगेंगे, बाथरूम में ये वाला कमोड आएगा, बेसन ये लगेगा, ये खुद सबने मिल बांट के हिस्सा डाला है, भाई ने। अच्छा। मैंने, बेगम ने, सबने हिस्सा डाला। सब आप इकट्ठे रहते सारे बहन भाई? नहीं, पहले साथ ज्वाइंट फैमिली सिस्टम था हमारा। अच्छा। पर उसके बाद वाले साहब के बचाने के बाद फिर मैंने कहा कि हर एक अपने बच्चे भी बड़े होते हैं, हर एक को प्राइवेसी चाहिए होती है, बच्चे साथ में रहेंगे तो पढ़ाई पे भी वो फोकस नहीं रहता बच्चों का, लेकिन ये है कि आना जाने लगा रहता है। बिल्कुल। अच्छा, अगर हम आपसे ये पूछें कि शाहिद आफरीदी फाउंडेशन को आगे आप कहाँ देखते हैं, क्या फ्यूचर प्लान्स हैं, क्या सोचता है खुद शाहिद, क्या सोचता है कि मैंने ये करना है? भाई ख्वाब तो आप शुरू से देखते हैं, और ख्वाब देखते देखते क्रिकेट में आए ना। मैं इस हवाले से, पहली बात तो ये कि जो मेरी एनजीओ है इसका किसी और के साथ मेरा मुकाबला मैंने किया नहीं है। अच्छा। ये सिर्फ और सिर्फ मैंने नीयत जो है मैं अल्लाह के लिए की है, और इस काम को लेके जितना मुझसे होगा मैं करता रहूंगा। मैं देखूंगा मेरी बैक कितनी स्ट्रांग है, मुझे कितनी सपोर्ट लोगों से मिल रही है, इस काम को लेके चलूंगा। एक हॉस्पिटल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, अपने पांव पे खड़ा है आज वो। उसके साथ साथ अभी कुछ दिनों पहले एंग्रो ग्रुप के साथ मैंने MOU साइन किया है। अच्छा। जिसके लिए थर के अंदर 100 बेड का मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल बना रहे हैं, इंशाल्लाह अभी शुरू हो जाएगा। पानी के प्रोजेक्ट्स वगैरह चल रहे हैं, स्कूल का शुरू कर रहे हैं हम। अच्छा। तो जो बेसिक चीजें, बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज जो लोगों के पास नहीं है उन एरियाज में, हमने सिर्फ वो देना है। आगे का क्या विजन है, इतने आगे की मैं सोचता नहीं हूँ, मैं वक्त के साथ चलता हूं। वक्त के साथ साथ चलूंगा। अच्छा, नींद के कैसे हैं? कभी नींद के ना, नींद के पक्का होता है, एक बंदा आप दुनिया भर घूम रहे होते हैं, कभी किसी क्लॉक के हिसाब से सो रहे हैं, वही हो रहा है, कभी रात है कभी दिन है, वही हो रहा है। आराम से नींद आ जाती है या फुल कोई नींद की गोलियां खानी पड़ती? नहीं, आराम से तो नींद नहीं आती। जैसे अभी कनाडा से आया हूँ वापस, तो यहाँ पे दोपहर के 2 बजे होते हैं तो मुझे नींद आना शुरू हो जाती है रात वाली। अच्छा। और सुबह रात को जैसे 1-2 बजे सो के, आज थोड़ा लेट उठा हूँ, 4:30 बजे सुबह उठ जाता हूँ। अरे होय होय होय। तो उस रूटीन को बेहतर करने के लिए आज मैंने जो है ना कल रात मेडिसिन ली। अच्छा, ताकि मैं सो जाऊं पूरी अच्छी तरह। तो आपने रात को क्यों ली? तो अभी तो आपको नींद तो नहीं आ रही? आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह। कितनी उम्र है? आपके प्रोग्राम ने और हमारे थोड़े बहुत फैंस ने मुझे जगा दिया। हाय हाय, क्या बात है। अच्छा,
हमने शाहिद आफरीदी का जो एग्रेशन है, गुस्सा है, वो हमने क्रिकेट ग्राउंड में तो देखा है, वहाँ ज़रूरी भी है, मगर अगर घर में कभी गुस्सा आता है तो क्या होता है? बेटियाँ इधर छुप जाती हैं, कोई सोफे के पीछे, कोई कमरे के अंदर, कोई दरवाज़ा बंद कर लेती है, घर में क्या होता है? डेकोरेशन पीसेस टूटते हैं जब गुस्सा आता है शाहिद आफरीदी को, तो क्या होता है वो? ये सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है मेरा, ये बहुत एग्रेसिव या गुस्सा आ जाता है, कोई ऐसी चीज़ हो, कोई कोई झूठ बोल रहा हो आपसे, आपकी पीठ पीछे झूठ बोल रहा हो, हाँ। और आपके सामने किसी और तरीके से हो, तो वो बंदा मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अच्छा। और पता चल जाती है चीजें, तो वो इंसान मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। हूँ एग्रेसिव हूँ, मूड पे भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, नींद से उठे हुए हूँ, अगर बच्चों का शोर आ रहा है या आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, तो वो चीज भी, वो फिर रोब है, कुछ डरते हैं बच्चे के अब्बू डांटेंगे, शोर नहीं करें? नहीं नहीं बिल्कुल, बच्चों को तो मैं प्यार का निवाला देता हूँ, लेकिन शेर की नजर भी रखनी जरूरी है। वो कहते हैं ना, खिलाओ सोने का निवाला और देखो शेर की नजर, तो वो वाली चीज है, इसका मतलब गुस्सा है। आप प्यार देते हैं, आप प्यार देते हैं, लेकिन इस तरह मतलब थोड़ी है कि आप बच्चों को प्यार देते रहो, प्यार देते रहो, आगे जाके वो खराब ही हो जाए। लेकिन कभी मोबाइल शोबाइल और टीवी भी तो नहीं तोड़ा होगा ना गुस्से में? एक दफा टीवी तोड़ चुका हूँ। क्या, किस चीज से मारा था? अच्छा, एक दफा मैं बेगम को ना, बेगम की वजह से वो टीवी तोड़ा था, बेगम बता रहा हूँ मैं तुम्हें। तो पहले ये हमारे स्टार प्लस के ड्रामे बड़े चला करते थे, तो मैं बेगम को मना करता था, मैंने कहा आप अकेले में देख लिया करो, वो भी टीवी बहुत कम देखती है। अच्छा। तो मैंने कहा अकेले में देख लिया करो टीवी, आप बच्चों को ना बिठाया करो। अच्छा। तो मैं एक दफा घर आया, तो मैं कमरे से बाहर निकला, तो अंशा थी कि अक्सा थी, तो वो टीवी के सामने स्टार प्लस चल रहा था, और वो ये इंडियन ड्रामों में क्या होता है, थाली लेके यूं करके क्या कहते हैं उसको, पता नहीं आरती, हाँ। पता नहीं क्या, वो यूं कर रही टीवी के सामने खड़े हो गए, तो मैंने यूं करके देखा, तो मैं पता नहीं क्या हुआ कि मैंने यूं करके दीवार के अंदर ही टीवी कर दिया। तो वो एक दफा टीवी तोड़ा था, फिर उसके बाद इसलिए कि यहाँ पे बच्चों की, देखें बच्चों की तरबियत यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए कि हमारी आजकल की जो माएं हैं, होता क्या है कि बच्चे अगर रो रहे हैं, शोर कर रहे हैं, क्या करेंगे, आईपैड दे देंगे, टीवी खोल देंगे, आईफोन दे देंगे, टीवी खोल के दे देंगे, वो उस औरत के पास इतना टाइम नहीं अपने बच्चों के लिए कि वो उनके साथ बैठ के गपशप लगाए, उनको समझाए, बात करे। कभी छोटे थे बच्चे तो आपने चुप कराया रोते हुए बच्चों को, कभी ऐसा हुआ? बहुत कराया, क्या करते हैं, मुझे देख के वैसे ही चुप हो जाते हैं। अच्छा, आप अपने बच्चों से कैसी गुफ्तगू रखते हैं, मतलब उनको अगर बातों बातों में कुछ समझाते हैं या बाकायदा दर्स देते हैं, ये करना है, ये करना है, ये करना है? देखिए, दर्स आपके पास जो है ना, खैर मैं कोई इतना अच्छा कोई मुसलमान नहीं हूँ, लेकिन आप हमेशा जब भी बच्चों को समझाते हैं, तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ हदीसें या उनकी सुन्नतों की, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह करते थे, बैठ के पानी पीते थे या ये करते थे, तो वो सारे तरीके आप अपने बच्चों को, देखें बच्चों की जो बेस है ना, बेस जी। वो स्ट्रांग करना बहुत जरूरी है, अगर उसको आप स्ट्रांग नहीं करेंगे तो हमारे स्कूलों में भी कोई ऐसा माहौल नहीं है कि उन बच्चों की तरबियत, असल जो बच्चों की तरबियत है वो घर से होती है। तो अगर हम बच्चों को अभी से ये चीजें सिखाना शुरू करेंगे तो आगे, ठीक है इंसान है, गलतियां करता है, लेकिन अगर आपकी जब बेस स्ट्रांग होती है तो आप गलतियां तो कर रहे होंगे लेकिन रास्ते पे सीधे आ ही जाएंगे एक दिन आप। तो बच्चों के लिए ये घर की जो एजुकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आप इस बात पर मतलब आप बिलीव करते हैं कि जो जरा जिसके पास वसाइल है उसके बच्चे होने चाहिए ज्यादा, मतलब पॉपुलेशन के हिसाब से आप क्या कहेंगे कि बच्चे कम होने चाहिए कि आप, अगर जैसे शाहिद आफरीदी चाहे तो 11 बच्चे भी कर सकते हैं? देखिए, बच्चों की जितने भी बच्चे हों, लेकिन ये हो कि माँ के लिए भी सोचना चाहिए कि वो एक औरत है और हर बच्चे की तरबियत उसको अच्छी, मैं आपसे कहलवा रहा हूं, हर बच्चे की तरबियत उसकी अच्छी तरह होनी चाहिए। इस बात से तो दिल से तालियां। एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ, और जाने से पहले बता रही हूँ, ये खास शो पे इसलिए आए हैं कि ये बताना चाहते हैं कि रात 10 बजे हमेशा आप सपोर्ट करते हैं शाहिद आफरीदी को, लेकिन आज से आपने एक और मकसद के लिए सपोर्ट करना शुरू करना है। टेलीथॉन होगा रात 10 बजे ARY पर, आपने शामिल होना है अपनी डोनेशंस के जरिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ब्रेक के बाद रहिए बूम बूम आफरीदी के साथ। अस्सलामुअलैकुम। अपने लिए ज़िंदगी गुजारना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन दूसरों के लिए ज़िंदगी डेडिकेट करना बहुत बड़ी बात है। जिस तरीके से आप लोगों ने मेरी फर्स्ट इनिंग में साथ दिया, मैं चाहता हूं जो मैंने सेकंड इनिंग अपनी ज़िंदगी की शुरू की है उसमें भी आप मेरा साथ दें। शाहिद आफरीदी फाउंडेशन और आप लोग, हम सब मिलकर इस पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए जो कुछ हमसे हो सके हम करने के लिए तैयार हों। होप नॉट आउट। देखिए
शाहिद अफरीदी फाउंडेशन स्पेशल लाइफ टेलीथॉन 24 मई बरोज बुध रात 10 बजे से सिर्फ ARY डिजिटल पर। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। बूम बूम आफरीदी हमारे साथ हैं, लाला साथ तो हैं, लेकिन अब उनके साथ एक और लाला ने ज्वाइन की। अब ईशान साहब हमारे साथ हैं और शायद आफरीदी फाउंडेशन के एडवाइज़र हैं और क्या क्या हैं ये अपनी ज़बानी बताने वाले हैं, क्योंकि इतना सब कुछ उन्होंने मुझे रटवाया कि ये बोलना। मैंने कहा ओहो, अब ये तो सारा कुछ आप ही बताने वाले। वेलकम टू दिस शो। थैंक यू निदा, थैंक यू सो मच, इट्स अ प्लेजर टू बी हियर टुडे विद ऑल ऑफ यू। मैं जी आई एम लुकिंग आफ्टर शाहिद अफरीदी फाउंडेशन। हमारा प्लान एक आगे लेके जाएंगे, बाकी चीजें छोड़ें, बस मैं अभी फाउंडेशन के साथ ही हूँ। फाउंडेशन का अच्छा जरा हिस्ट्री बताए ना आपकी, क्या ये शाहिद जो है बचपन के दोस्त हैं, कैसे आप दोनों एक साथ मिले? शाहिद मेरे भाई हैं, आप समझ ले, मतलब कजन है, सगे भाई हैं, क्या कहाँ से मिले? आप समझ ले रिलेटिव है। अच्छा, ये समझ लेते हैं, समझ लेते हैं। नहीं जी, आई केम टू पाकिस्तान इन 2010 फ्रॉम US। आई वाज देयर विद KPMG एज अ डायरेक्टर। जी, पाकिस्तान आया, फिर वेरियस बोर्ड्स पे रहा, फिर वेरियस कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में कुछ काम करता रहा। रिसेंटली जो सबसे ज्यादा लोगों को याद है, PSL 2 में आई वाज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ शावर जलमी। अच्छा, थे जी, थे। थे क्यों? थे। ये थे क्यों? मैं दरअसल शाहिद के पीछे पीछे हूँ, तो शाहिद जब निकले तो फिर मैं भी चला गया। ओए होए होए होए, शाहिद ने तो आप बता। अच्छा, मतलब आपका शुमार शायद के उन दोस्तों में होता है जो गुस्सा झेलते हैं या समझाते हैं, यार इतना गुस्सा नहीं करो, ये मुझे ठंडा कर, या पंखा जलते हैं आपको, ये ठंडा करने वाले हैं। शाहिद का जो फ्लेयर है, देखिए मैं हमेशा कहता हूँ कि वी लव लाला बाय हार्ट नॉट बाय हेड्स। अच्छा, तो लाला इज लाला फॉर व्हाट ही इज। क्या आपको लगता है सबसे अच्छी बात है अफरीदी, शाहिद अफरीदी के अंदर एक जो कहते हैं ना सब्सटेंस है, सबसे अच्छी बात क्या है? शाहिद की जो पर्सनैलिटी और करिश्मा है ना, उसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता। अच्छा, क्रिकेट में भी वैसा ही था, फील्ड पे और ऑफ फील्ड भी वैसा ही है, और फाउंडेशन के लिए भी वैसा ही है। क्या बात, यानी कि अगर इनके 10 दोस्त बैठे हुए हैं तो ये अगर क्रिकेटर नहीं होते तो अपने आप को मुनफरिद कैसे करते हो उन 10 लोगों में? क्या इनके अंदर ऐसी पावर है ये बता दूं? आपसे पूछे बता। देखिए शाहिद के अंदर जो पाकिस्तान के लिए एक जज्बा है ना, जो पाकिस्तान के लिए एक तरफ है और पाकिस्तान के लोगों के लिए जो एक काम करने का जो मैंने जज्बा देखा है ना, बहुत कम लोगों में देखा है। अच्छा। जब ये बहुत सारे लोगों में बैठे होते हैं तो हमेशा कहते हैं कि मैंने इतना अरसा क्रिकेट खेली है, अब इस मुल्क के लिए मैं क्या करूंगा, हाउ टू गिव बैक टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान। तो हमेशा हम इस पे कहते हैं, मैंने कहा बस भाई ठीक है यार, मतलब इतने भी जज्बाती है बहुत, जल्दी करें शाहिद अफरीदी फाउंडेशन को यहाँ तक लेके जाना है, ये करना है, खाब देखते हैं शुरू से और वो कहते हैं एग्रेसिव है इस चीज में भी। अच्छा, मजे की बात है, मैं ज्यादा जज्बाती हूँ फाउंडेशन में आगे, शायद कहते बस यार आराम से जरा देख देख के बहुत ये 2020 खेल रहा होता है। ईशान से मेरी पहली मुलाकात हुई कराची एयरपोर्ट पे। अच्छा। और उस वक्त ऑटोग्राफ लेने आए थे आपसे? नहीं, ऑटोग्राफ लेने हम लोग लाउंज में, बिजनेस लाउंज में बैठे हुए थे, तो सामने बैठ गए थे, तो फिर गपशप लगी, फिर कहा कि पिशावर जर्मी ज्वाइन कर रहा हूँ, इसके लिए आया हूँ अमेरिका से। इससे गपशप लगी, बातें बातें हुई, इसका विजन समझ आया, क्या करना चाहता है, काफी ज्यादा पॉजिटिव नजर आ रहा था ये मुझे, और मैं चाह रहा था, और मैं उन दिनों में एक ऐसा साथ बंदा ढूंढना चाह रहा जो मेरी फाउंडेशन का फेस हो, इसलिए मैं खुद भी क्रिकेट की वजह से बहुत ज्यादा बिजी था, तो मैं फाउंडेशन पे पूरी तरह फोकस किया हुआ नहीं था, मुश्किल हो रहा था, तो मैं मुझे इस जैसे बंदे की जरूरत थी जो फाउंडेशन का फेस हो, जो लेके चले, जो कॉर्पोरेट लेवल पे चीजों को सॉर्ट आउट करे मेरे साथ, इसलिए काफी बोझ बन रहा था मेरे ऊपर, जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ज़ीशान से मुलाकात हुई और मैं बड़ा प्राउड, मेरे लिए ऑनर की बात है कि ज़ीशान जो है वो मेरे साथ इस वक्त है। हमारे लिए ऑनर की बात है, हम इसको आगे लेके जा रहे हैं। जैसे आपने ज़ीशान, आपके एक्सपीरियंस क्या है, क्या आप क्या क्या कर चुके हैं जिसकी वजह से आप इस फाउंडेशन को बहुत अच्छा चला सकते हैं, जो शायद का ट्रस्ट आप पे डेवलप हो गया? आपका सेगमेंट खत्म हो जाएगा अगर मैं बताना शुरू करूं। यही तो बात है ना कि आप सारे बातों को जो है कुछ सेकंड्स में डायरेक्टर उनके साथ था, फिर वेरियस बोर्ड्स पे रहा हूं, फ्रॉम टेक्सटाइल टू पावर टू सीमेंट टू स्टील। तो आपका काम ये होता है कि आप सारी डॉक्यूमेंट्स लेकर, वी स्ट्रेटजाइज आर के व्हाट शुड बी द नेक्स्ट विजन ऑफ द कंपनी, हाउ द डायरेक्शन शुड बी देयर। जैसे आप प्रोग्राम की डायरेक्शन देती है ना कि आज ये पूछना है, आज ये करना है, वो हम कॉर्पोरेट स्टाइल में करते हैं। अच्छा। सो व्हेन यू डू दैट इन कॉर्पोरेट स्टाइल, सो यू प्लान द विजन फॉर द नेक्स्ट 100 ईयर्स। देखें आप, मैं और शाहिद प्रॉब्ली 50 ईयर्स 30 ईयर्स बाद शायद नाउ, बट वी वांट टू लीव अ लेगेसी बिहाइंड दैट आवर कंपनी, आवर फाउंडेशन इज देयर टू हेल्प द पीपल ऑफ पाकिस्तान। ओके, अच्छा। उस इदारे को
उस प्रोसेस को फर्म बनाने के लिए आज सिस्टम्स बनाने पड़ते हैं, आज कंट्रोल्स बनाने पड़ते हैं, आज पॉलिसीज बनानी पड़ती हैं, आज कलेबोरेशन करनी पड़ती है, वो सब प्रॉब्ली उस प्रोसेस में इन्वॉल्व हूँ मैं। बल्कि एक अनाउंसमेंट भी कर देते हैं कि वर्ल्ड्स टॉप फोर में कंपनी आती है EY, सो वी हैव जस्ट रिसेंटली साइंड अप विद EY एज अ ऑडिट। आई थिंक इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर शाहिद आफरीदी फाउंडेशन। माशाल्लाह आप 1.5 साल हो गया आप लोगों की दोस्ती को, आपके साथ एक साथ काम करते हैं, एक अच्छी आदत एक बुरी आदत तो बताएं अपने दोस्त की। शाहिद की बुरी आदत? बुरी बता दें, अच्छी कोई बात नहीं। अच्छी तो बहुत सारी हैं, अच्छी तो बहुत सारी हैं, बुरी सोचनी पड़ेगी क्योंकि होता है दोस्तों की बुरी चीजें नजर नहीं आती आपको ना। इंसान के अंदर अच्छाई और बुराई दोनों चीजों का मजमुआ। मैं बुरी आदत इस तरह कहूंगा कि देखिए शाहिद ने हमेशा जैसे क्रिकेट खेली, जब फील्ड में आते थे तो पूरा स्टेडियम चाहे वो पाकिस्तान के किसी इलाके से भी हो, बूम बूम के नारे लगते थे एंड वाज एक्सपेक्टिंग शायद आए छक्के लगाए और वो चला जाए। शाहिद का यही स्टाइल जो है ना, ये शाहिद का वर्क में भी है कि बस यार जिशान मैं कुछ कर दूं पाकिस्तान के लिए, छक्का लगे लंबा सा और काम हो जाए। टेलीथॉन में छक्का लगा रहे आप लोग, बता दे शाहिद को कि वो हर मैदान के गुरु हैं। जिशान की अच्छी बात ये है कि ये जो है दूसरों की अच्छाइयां देखते हैं अपनी बुराइयां देखते हैं, इसलिए माशाल्लाह। नहीं देखें, हम लोगों की बुराइयां देखेंगे अब तो फायदा नहीं होगा, अपनी बुराई देखने पे ज्यादा बेहतरी है। इनमें पेशेंस कम है, ये हमने भी देखा है। तो जब आपके साथ बैठे हुए हों ये और इनको भूख लग रही हो और खाना कहीं दूर दूर तक उसका कोई नामो निशान नहीं है, तो उसमें भी पेशेंस जरा। मैंने देखा हम लोग घर पे खाना खा रहे थे तो मैंने शाहिद को बोला यार शाहिद ये इतना खाना जाता कर दे रहा है मुझे नजर नहीं आ रहा। मैंने बोला मैं तो थोड़ा शायद ने कहा भाई तुम्हारा पेट निकल रहा है तुम सोचो कहाँ जा रहा है। तो शायद की माशाल्लाह से शायद खाने में अगर देर सवेर हो तो शायद को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती या बर्दाश्त कर लेते हैं भूख? बर्दाश्त मुश्किल हो जाता है करना, इसलिए कि ट्रेनिंग इतनी सख्त होती है ना कि खाना चाहिए कुछ ना कुछ ट्रेनिंग के बाद चाहिए खाने को। और मुझे अगर आप अभी खाना खिला दें मैं 2 घंटे बाद मुझे दोबारा सामने खाना रखे मैं फिर खाऊंगा। अच्छा हर किसी की पसंद और नापसंदीदगी होती है ना, कुछ ऐसी चीज है आपको जो नहीं पसंद, ये नहीं आप खा सकते करेले टिंडे और वो लौकी? जिस तरह आपको कहा मैं खाने में हर चीज शौक से खाता हूँ, अच्छी बनी हुई हो चाहे वो टिंडे हो चाहे वो करेले, चाहे भिंडी में पानी भी हो, कुछ भी हो चीज अच्छी बनी हो, जी। तो आप क्या सोचते हैं कि शायद आफरीदी फाउंड फोन आना शुरू हो गए? नहीं सॉरी शायद आफरीदी फाउंडेशन जो है उसका अगला स्टेप क्या होगा? एक हॉस्पिटल बन चुका है, एक और थर में प्लानिंग चल रही है एंग्रो के साथ, बल्कि वो बन चुकी है या वो प्लानिंग हो गया, साइन हो चुका है, वो साइन हो चुका है हमारा, साइन हो गया थर के साथ। देखिए हमारा अभी करंटली वी वांट टू टेक इट स्टेप बाय स्टेप। अगर आप इसको देखें कि हम इतने बड़ी जिसको कहते हैं ना कि इतनी बड़ी लीप्स भी नहीं लेना चाहते कि वी क्रॉस आवरसेल्फ, मतलब आप क्या चाहते हैं धीरे धीरे चलें लेकिन पुख्ता काम, हम काम ऐसा करें और आप लोगों की सबकी सपोर्ट के साथ करें, यू नो विद द पीपल ऑफ पाकिस्तान, फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान, बिकॉज शाहिद ने हमेशा पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेली, अपने से ज्यादा शाहिद को छक्का मारने का शौक लोगों के लिए होता था, ठीक है, पाकिस्तान को जिताने का, इंडिया का लास्ट मैच वो लोग दुआएं कर रहे हैं छक्का लगा अरमीज राजा ओ व्हाट अ मैच, तो दैट पैशन वी वांट टू ब्रिंग इट बैक टू यू नो फॉर द फाउंडेशन साइड। अच्छा अब उसमें हमारे पास एक कोहाट में हॉस्पिटल है, शाहिद ने आपको बताया होगा, हम उसकी थोड़ी बहुत एक्सपेंशन की तरफ देख रहे हैं। वो ऐसा हॉस्पिटल है कि गांव के लोगों को इलाज मैसर नहीं था, हमने सोचा कि यार अपनी जमीन से अपनी जगह से स्टार्ट किया जाए। बताया इन्होंने कि अपने अब्बू की जमीन थी उससे शुरुआत की, माशाल्लाह। सबसे बड़ी बात तो यही है ना कि अपनी चीजों से जब शुरुआत बंदा करता है उसमें उसकी खालिस होने का सबूत नजर आता है। अच्छा ये आप कभी कुछ बता रहे होते हैं, कोई जरूरी बात भी कर रहे होते हैं, मोबाइल पे लगे रहते हैं? इसलिए बच जाता हूँ कि मेरे ऐसे दोस्त हैं जो मुझे कवर कर जाते हैं। आज तो भाभी को हिचकियां आ रही होंगी, भाभी आज आपका माशाल्लाह बहुत जिक्र हो रहा है और जाहिर है कि आप ये हमें इतने प्यारे हैं, इनके घर का हर फर्द हमें प्यारा है और हमारे लिए इनके दिल से इनके घर वालों के लिए दुआएं ही निकलती हैं माशाल्लाह। देखो हमने सुनते थे कि एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो यहाँ 2 बंदों के पीछे 2 औरतों का हाथ है। नहीं माशाल्लाह, तो अब शायद की 4 बेटियां हैं तो ये मल्टीप्लाई हो गई हैं चीजें, जो कहते हैं खवातीन, बहुत सारी खवातीन का हाथ आ गया इनकी सक्सेस के पीछे। थैंक यू। शाहिद की कमजोरी आप पूछ रही थी, मैं शाहिद की कमजोरी उनकी बेटी है।
छोटी कौन सी आसमारा छोटी जो जसमारा छोटी वो तो हम जब भी जाएं वो आ जाए मीटिंग कैंसिल वो आ जाए शायद बाहर वो शायद कहते जी मैं उसके आसमारा कितनी बड़ी हो गई है माशाल्लाह माशाल्लाह अभी दो तीन दिन पांच तारीख कब थी पांच की हो गई है माशाल्लाह तो ये तो सबसे बड़े मजे की एज है ना ये बहुत जबरदस्त अच्छा ये जो पांच साल की एज आप आसमारा की आप इंजॉय कर रहे हैं ये बड़ी वाली की भी इसी तरह इंजॉय की थी इसका मजा अलग है नहीं नहीं ये जो एज होती है जबरदस्त बिल्कुल अलग है नहीं नहीं जब बड़ी वाली थी तो आप क्रिकेट में ज्यादा बिजी थे ना सेम सेम अच्छा। लेकिन ये था कि उस वक्त क्रिकेट बहुत ज्यादा होने की वजह से ट्रैवलिंग मेरी बहुत ज्यादा थी तो मैं जब टूर पे जाता था उससे पहले अपने गोद में बिठा के उसकी वीडियो बना के और फिर वहाँ टूर पे वीडियो देखता था अक्सा को देखता रहता था तो वो चीज जो है मुझे चाहता था कि मैं जल्दी पाकिस्तान भाग जाऊं इसलिए कि जब भी टूर खत्म होता था प्लेयर्स दो तीन दिन एक्स्ट्रा रुकते थे मैं मैच वाली रात ही निकल जाता था बच्चियों की वजह से बिल्कुल ऐसी अगर खुदा ना खास्ता बच्चियां कभी बीमार हों तो कि माओं का दिल तो होता ही कमजोर है ना वो तो फौरन ही टप 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 उनके आंसू गिरना शुरू होते हैं बच्चों नहीं, नहीं, माओं का मजबूत होता है बाप का नहीं होता नहीं नहीं उनका उनके साथ 24 घंटे रह रही होती हैं हाँ। उनकी हरकतें देख रही होती हैं बीमार भी होगी कोई बात नहीं ठीक हो जाएगी आपका दिल कैसा है मैं इस मामले में थोड़ा सा कमजोर हाँ मैं रात नहीं गुजर रही होती अभी कौन सी वाली बेटी बीमार हुई थी आपकी ये असमारा ही थी असमारा थी सबसे छोटी सबसे छोटी अच्छा बीमार नहीं हुई थी ऑपरेशन कराया था उसके चॉकलेट खा खा के दांत जो थे ना उसके बहुत ज्यादा खराब हो गए थे वो निकलवाए थे अच्छा तो जब उसकी मतलब होता है ना बच्चों को इंजेक्शन भी लग रहा होता है तो अब्बा जरा वो कह रहे होते हैं मैं नहीं देख रहा खुद करवा इस मामलों में सख्त हूँ थोड़ा सा अच्छा इस मामले में कोई मसला नहीं वैक्सीनेशन ठीक है सब चेक करते हैं कि ये सब चेक करते हैं बच्चों की वैक्सीन टाइम पे हुई है कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं पीछे नादिया हैं अकेले वो चेक करते हैं वैक्सीनेशन टाइम पे इस मामले में बेगम ठीक है अच्छा हाँ इस मामले में खास ये जो मामला है इसमें ठीक है बेगम से ज्यादातर लड़ाइयां या नाराजगियां होती भी किसी बच्चों की वजह से होती है बाकी तो हमारे कौन से कोई रिपोर्ट कार्ड वगैरह पे होती है नाराजगियां बच्चे पढ़ रहे हैं नमाज टाइम पे है ट्यूशन जा रहे हैं पढ़ाई के लिहाज से ये सारी चीजें मेरे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और अगर बेगम से लड़ाई होती है तो किस बात पे होती है बेगम से लड़ाइयाँ किस बात पे हो सकती हैं किस बात पे हो सकती हैं यही तो पूछ रही हूँ ये जो एप्पल आईडी एक जैसा बनवा लिया ना बेगम ने अब हमारी लड़ाइयाँ नहीं होती क्या बात है जनाब एक दफा फिर याद दिलाती चलूं आज रात 10 बजे टेलीथॉन आप देख सकेंगे शाहिद आफरीदी फाउंडेशन का देखना नहीं है डोनेट भी करना है गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ अस्सलाम वालेकुम अपने लिए ज़िंदगी गुजारना कोई बड़ी बात नहीं लेकिन दूसरों के लिए ज़िंदगी डेडिकेट करना बहुत बड़ी बात है जिस तरीके से आप लोगों ने मेरी फर्स्ट इनिंग में साथ दिया मैं चाहता हूं जो मैंने सेकंड इनिंग अपनी ज़िंदगी की शुरू की है उसमें भी आप मेरा साथ दें शाहिद आफरीदी फाउंडेशन और आप लोग हम सब मिलकर इस पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए जो कुछ हमसे हो सके हम करने के लिए तैयार हों होप नॉट आउट देखिए शाहिद आफरीदी फाउंडेशन स्पेशल लाइव टेलीथॉन 24 मई बरोज बुध रात 10 बजे से सिर्फ ARY डिजिटल पर वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान आज की सुबह आपकी हसीन खूबसूरत और मजेदार और मस्ती भरी बन गई मुझे पता है पूछने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके फेवरेट गेस्ट शाहिद आफरीदी आज हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं अपने फाउंडेशन के साथ और अपने एडवाइजर जीशान अपने दोस्त के साथ बड़ी मजे मजे की बातें मुझे लग रहा था जीशान साहब आएंगे तो शो को कुछ बोर कर देंगे मगर इन्होंने तो मजेदार कर दिया इन्होंने तो अंदर की बातें बता दी शायद अच्छा मैं ये पूछना चाह रही थी एक बड़ा मेरे दिमाग में सवाल आया कि गवर्नमेंट की कितनी सपोर्ट आप लोगों को मिली है शाहिद आफरीदी फाउंडेशन को लेकर क्रिकेट को तो मिलती रहती है थोड़ी बहुत सपोर्ट लेकिन इस जो आपने ये फाउंडेशन लेके चले हैं आपके इस एम को कितनी सपोर्ट दी है पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट के लिहाज से तो ऐसे कोई सपोर्ट नहीं इसलिए कि अभी फिलहाल इसकी पहचान हमने खुद बनानी है और इसको इस लेवल पे लेके जाना है कि गवर्नमेंट आगे हमारे जो प्रोजेक्ट्स को लेके चल रहे हैं इसको सपोर्ट कर सके तो कनाडा से तो आप कनाडा की गवर्नमेंट ने तो आपको सपोर्ट की तो हमारी क्यों नहीं कर रही भाई ये क्या बात कनाडा कनाडा ने वहाँ पे जो मेरी मुलाकात मेयर से हुई है वहाँ के CM से हुई है बहुत ज़बरदस्त मुलाकातें रही हैं बड़ा ज़बरदस्त ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने हम सबको हमारी फाउंडेशन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया
इवन कि मेरी फाउंडेशन वाइद फाउंडेशन है, अगर दूसरी एनजीओज अच्छा काम करती है तो उनको भी सपोर्ट करती है, ये हमारी फाउंडेशन का है। और हम जब वहाँ गए थे लोगों से, वहाँ लोगों का अवेयरनेस देनी थी कि क्या शाहिद अफरीदी फाउंडेशन करती क्या है। उसके साथ साथ वहाँ पे जो मॉन्ट्रियल उसमें फ्लड्स आए थे तो वहाँ के पीएम ने जो है रिक्वेस्ट की थी सबसे कि जो भी हो सके वहाँ के लोगों के लिए करना है। तो हम मेरी तरफ से हमारी फाउंडेशन की तरफ से $25,000 हमने उनको दिए थे। अरे वाह भाई, मतलब हम हमेशा बाहर से सपोर्ट लेते हैं लेकिन ये तो हमारी बड़े एक इज्जत की बात हो गई ना कि हमारी पाकिस्तान की फाउंडेशन ने कनाडा की। देखिए मैं समझता हूँ कि आप जिस मुल्क में जाते हैं उनकी सपोर्ट आपको, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को वहाँ के लोग सपोर्ट करते हैं तो वहाँ पे भी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको भी एड्रेस करना चाहिए और वहाँ पे भी काम करना चाहिए आपको। बिल्कुल बिल्कुल सही। देखिए इसमें यह है कि हम समझ व्यू के इंसानियत का जो ख्वाब है ना जी, जो ह्यूमैनिटी जो है वो इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन कास्ट क्रीड देखी जाती है। जहाँ जो बंदा परेशान है, जो नीड में है, तो फाउंडेशन का ये विजन है कि वी विल सपोर्ट एंड वी विल हेल्प पीपल गेट बैक देयर लाइवलीहुड, चाहे वो किसी भी रंग, जात, रंग, नस्ल, किसी भी हो। देखिए बहुत अच्छी, अभी थर के जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं हम लोग, थर के जितने भी बॉर्डर के पास जो जगहें हैं वहाँ हिंदू कम्युनिटी रहती है, सारे हिंदू हैं जी, जी। लेकिन वहाँ पे जो भी उनकी प्रॉब्लम, पानी की प्रॉब्लम से हैंड पंप्स वगैरह हमने सारे उनको लगा के दिए हैं। ये बात वो नहीं है कि मुसलमान हिंदू ये। यहाँ पे जो बच्चियाँ बैठी हुई हैं वो तड़प रही हैं सवाल करने के लिए, कहाँ है तुम्हारे माइक और कहाँ है तुम्हारे सवाल। तो ये सवाल कर क्यों रही हैं, सारा कुछ तो पता है इनको। जो नहीं पता ये वो सवाल करना चाह रही, खड़ी होके करो ना जरा। हाँ भाई, अस्सलामुअलैकुम शाहिद भाई, मुझे आपसे ये पूछना है कि जब आप फील, ऐसा पाकिस्तान का कौन सा बॉलर है जिसको फेस ऑफ करते हुए आपको थोड़ा डर लगता है? ये चीज आपको नहीं पता? नहीं पता इसका, ये वाहिद सवाल है जो आप पहली दफा कर रही है मुझसे। अच्छा, पाकिस्तान का कौन सा ऐसा बॉलर, पाकिस्तान का या इंटरनेशनल? पाकिस्तान का, पहले पाकिस्तान का। पाकिस्तान का मैंने जो फेस किया है, जो सबसे अच्छे बॉलर्स में बता देता हूँ, फेस तो कम किया होगा नो डाउट, वसीम भाई, वसीम अकरम। मोहम्मद आसिफ एक बहुत ज़बरदस्त बॉलर था, जो कि उसको पता था, ऐसे बॉलर बड़े मुश्किल होते हैं जिनको पता होता है कि नया बॉल मैं अंदर लाऊंगा या बाहर लेके जाऊंगा, ऐसे बॉलर सबसे ज़्यादा मुश्किल हैं, तो इनको मैं ज़्यादा रेट करता हूं। बाकी अगर इंटरनेशनल बॉलर्स में बात की जाए तो नो डाउट बड़े बॉलर्स रहे हैं, मैग्रा, एम्ब्रोस, कॉटनी वॉश, खैर आप इनको नहीं जानती होंगी, तो आप पैदा नहीं होंगी। नहीं ना, नहीं तो आप, आपका दिल डरता है तो कभी ऐसा होता है कि धक 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 कभी पैर कांपने लगे हैं? नहीं नहीं, डर जहाँ तक डरने का ताल्लुक है डरते तो बिल्कुल नहीं है। अच्छा, डिपेंड करता है आपके फॉर्म पे भी, बड़ा डिपेंड करता है। बॉल से नहीं डरते, किस चीज से डरते? अल्लाह के अलावा, अल्लाह के अलावा, अल्लाह के अलावा किसी नहीं। अगर आपके अमाल अच्छे, फिर आप मौत से भी नहीं डरते। कभी 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 जो मियाँ है ना वो बीवियों से भी डर रहे होते हैं, वो जो जो चोर मियाँ होते हैं। बताया ना, उन्होंने आईडी शेयर कर लिया। अब कोई डर नहीं, अब कोई डर नहीं। अच्छा, अगर हम कभी, चलो तुम अगला सवाल करो, तुम्हारे अगले सवाल से पहले एक सवाल मैं करूंगी। अगर कहीं किसी ने आपको फिल्म की ऑफर कर दी, ड्रामे की ऑफर कर दी कि शायद को गेस्ट अपीयरेंस ही चलो करनी है, तो क्या आप हामी भरेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, शौक ही नहीं है ना, टैलेंट इन चीजों का। कोई आपके पैरों पे गिड़गिड़ा कर आ गया फिल्म मेकर कि खुदा के वास्ते कर दें? नहीं तो शौक है नहीं ना, एक चीज का शौक ही नहीं, क्यों जबरदस्ती करूं? कभी भी नहीं फिल्म, नहीं बस एक कमर्शियल्स वगैरह कभी कभार बना लेता हूं, ये भी बहुत है मेरे लिए। अच्छा, कभी कमर्शियल बनाने में बहुत रीटेक्स दी जब उसमें थोड़ी सी एक्टिंग करनी पड़ी? बस आपस की बात बताऊं, दूसरे तीसरे सीन में ओके हो जाता है। क्या बात है। अच्छा, फेवरेट कोई फिल्म स्टार, कोई ड्रामा का स्टार, पाकिस्तानी, इंडियन, जो भी आप देखते हैं? दिलीप कुमार साहब की मूवीज बहुत ज्यादा शौक से देखते थे। कुछ आद मूवीज देख लें तो आप, बच्चन साहब हो गए, शाहरुख हो गए, कुछ आद मूवीज आमिर की हो गई, जब शौक था मूवीज देखने का। हमारे पाकिस्तान में नदीम साहब, वहीद मुराद साहब, ये बहुत बड़े थे ड्रामों में, शफी मोहम्मद साहब, तलत हुसैन साहब, ये काफी बड़े नाम। और हीरोइन है? हीरोइन उस वक्त काजोल, उस वक्त और कौन थे, माधुरी दीक्षित, मैंने पढ़ा था कहीं, माधुरी जी भी हैं। हाँ। वो भी कुछ आद मूवीज उस दौर में बहुत पसंद आती थी। तो कभी आप जिनको आप बहुत एडमायर करते थे हमेशा से और आप ज़ाहिर स्टार बन गए, जाके उनसे मुलाकात हुई, तो किससे मिलकर आपको सबसे ज्यादा खुशी हुई थी? मतलब वो सोच रहे थे कि हम स्टार से मिल रहे हैं और आप सोच रहे थे कि ये तो मेरी, मैं इनका फैन था। मैं काफी बड़े बड़े नामों से मुलाकात हुई, इवन के क्वीन से भी मुलाकात हुई और सारे बड़े टॉप लोगों से मुलाकात हुई, लेकिन
एक नॉर्मल तरीके से मुलाकात हुई, लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस बंदे से मुझे हाथ मिला के अच्छा लगा, एक कि यार एक मेरा ख्वाब पूरा हो गया, वो इमरान खान था। ओए होए, क्या बात है भाई, जबरदस्त। तुम्हें एक सवाल करने की इजाजत है, तुम कर लो फिर, क्योंकि आप माइंड अप करने क्या करें। मैं ये पूछना चाहती थी, आपकी वर्ल्ड बेस्ट टीम कौन सी है जो आपको लगता है कि बहुत ज्यादा बेस्ट टीम है क्रिकेट टीम? अच्छा, ऐसे किसी एक का नाम बताना मुश्किल है, डिपेंड करता है। जैसे ऑस्ट्रेलिया की टीम है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर बेस्ट है वो। अब अगर वो सब कॉन्टिनेंट्स में खेलती है तो वो ऑस्ट्रेलिया की टीम नजर नहीं आती इस वक्त। किसी एक का नाम लेना मुश्किल है, लेकिन आई थिंक जो दौर वेस्ट इंडीज की टीम ने गुजारा है, जिसे हम काली आंधी कहते थे, तो वेस्ट इंडीज का उस दौर बहुत बड़ा जबरदस्त दौर था। ऑस्ट्रेलिया का फिर एक दौर आया, वो बहुत जबरदस्त था। बाकी ओवरऑल तो अगर देखी जाए तो मुझसे पूछे पाकिस्तान, वही मैं कहना चाहता था, आपने मेरा जवाब पूरा नहीं सुना ना मोहतरमा। तो आखिर में बात वही है कि पाकिस्तान टीम मेरी टीम है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका हमारे शो पे आने का, आपका भी बहुत शुक्रिया। मेरी दुआएं हैं कि शाहिद आफरीदी फाउंडेशन बहुत आगे जाए, जो आपने सोचा वह आपने ख्वाब देखे। मैं पाकिस्तान के लिए, हमें तहे दिल से खुशी है कि कोई बड़ा आदमी खड़ा हुआ है, पाकिस्तान के लिए सोच रहा है और सच्चे दिल से खड़ा हुआ है। तो जनाब, आप सपोर्ट करने के लिए आज का टेलीथॉन ज़रूर देखिएगा रात को 10 बजे ARY डिजिटल पर, और सपोर्ट कीजिएगा शाहिद आफरीदी को। इन दी एंड कोई मैसेज आप अपने फैंस को, मैं समझता हूँ कि हर एक बच्चे को, जो भी इस मुल्क से जिसका ताल्लुक है, इस मुल्क को ओन करें कि ये मेरा अपना मुल्क है, और उस हिसाब से काम करें। जैसे आप घर में रखते हैं, घर की सफाइयों का ख्याल रखते हैं, इस तरह हमें अपने शहर का भी ख्याल रखना चाहिए, हमें अपने मुल्क का ख्याल रखना चाहिए। यहाँ बहुत ईजी होता है हर चीज़, हर वक्त उंगली उठाना गवर्नमेंट के ऊपर। ठीक है, गवर्नमेंट जो कर रही है उसका अपना काम है, मैं क्या कर रहा हूँ, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या मैं सिग्नल का एहतराम करता हूँ, क्या मैं 15-20 सेकंड अपने सिग्नल पे खड़ा रहता हूँ, ये आप समझे कि आपने बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाई है। इस मिट्टी का हक है हमारे पे, इस मिट्टी के, जिस मिट्टी की हम पहचान है, इस मिट्टी का हक है हमारे पे, क्या वो हक अदा कर रहे हैं हम? अगर इसी तरह की सोच हम सब रखें तो क्यों नहीं बदलेगा हमारा मुल्क, बिल्कुल बदलेगा। इसी बात के साथ इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल, और इनकी मुलाकात होगी रात को 10 बजे, तो भूलिएगा नहीं, शाहिद आफरीदी का खास टेलीथॉन देखना नहीं भूलिएगा आज रात ARY डिजिटल पर। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज। For the champions, for the champions.